गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सेटल डाउन फर्स्ट। चैट, ये यूट्यूब चैट आवाज आ रहा है मेरा? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? हाँ डाल दो, हाँ हाय डाल दो, गुड मॉर्निंग डाल दो, ऑडिबल। अरे आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। चलो भाई सबको लिंक शेयर कर दो, सब लोग आ जाओ। इफ यू आर नॉट अवेलेबल इन द क्लासरूम देन मेक श्योर यू शुड बी अवेलेबल ऑन लाइव। नेक्स्ट 2 घंटे मेरे साथ पढ़ाई करोगे तुम लोग। प्लान बना के आया हूं मैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल प्रोसीजर कोड एंड एविडेंस एक्ट। स्ट्रेट 2 घंटे मेरे साथ सिर्फ रावस। चलो बैठ जाओ फर्स्ट। बढ़िया, चलो अभी ध्यान दो। सिंस वी हैव 2 आवर्स ओनली, आज का सेशन, आज और कल का सेशन 2 घंटे का ही है, तो इफेक्टिव यूज करना है इस 2 घंटे का। तो यहां ध्यान दो, जो जो मैं कह रहा हूं वो सुनो, जेकेसी टेक्स्ट बुक निकाल के बैठ जाओ अपने साथ। चलो स्टार्ट करता हूं, सुनते जाओ। हम लोगों ने ना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कल स्टार्ट किया था। अगर आप कल का लेक्चर देखोगे जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो उसमें हम लोग ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इंट्रोडक्शन दे दिया था। आज मैं सीधा तुम लोगों के साथ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है? वो सारे क्वेश्चंस जो आईसीएसआई ऑलरेडी पूछ चुका है, जैसे December 22 का ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है? The biggest check over administrative action is the power of judicial review. फिर ये 19 का question है, December 19. Explain in short the exceptional circumstances of the application of natural justice under administrative law. फिर judicial review is the authority of the court to declare void the acts of legislature and executive if they are found in violation of the provisions of the constitution. Right? तो ये सारे questions एक एक करके discuss करेंगे, तो सुनते जाओ और अपना बेस्ट देना। जो जो आंसर पूछो उसका जवाब देना। सबसे पहले सर डिस्कस करता हूं, सबसे पहले अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के सोर्सेस की बात करता हूं, अगर मैं इनके सोर्सेस की बात करता हूं, मतलब क्वेश्चन ये है कि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आते कहां से, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आने के पीछे का बेस क्या है, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आने के पीछे का सोर्स क्या है। तो अगर तुमको याद रहेगा तो देर आर 4 सोर्सेस, टोटल 4 सोर्सेस है। कौन से से? सबसे पहला सोर्स क्या है? तो सबसे पहला सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन, द वेरी फर्स्ट सोर्स इज कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन। सर कोई एग्जाम्पल है कि आपके पास ऐसे किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का एग्जाम्पल है कि आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाया गया था? तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जिसको बनाया कैसे था, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। अच्छा, इफ नॉट इलेक्शन कमीशन तो सर तो वी ऑल्सो हैव कैग ऑफ इंडिया। सर दूसरा कोई एग्जाम्पल है तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग ऑफ इंडिया, ये भी एक ऐसा अथॉरिटी है जिसको कैसे बनाया था, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाया था। अरे इतना ही नहीं, रिसेंटली 101 अमेंडमेंट आया था, व्हेन देयर वाज 101 अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस 101 अमेंडमेंट से क्या बना था इस देश में, अबे जीएसटी काउंसिल बना था। तो क्या जीएसटी काउंसिल भी सर एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है? आंसर इज यस। सो व्हेन आई हैव टू टॉक अबाउट द सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन इज द वेरी फर्स्ट सोर्स।
सर इफ नॉट कॉन्स्टिट्यूशन तो दूसरा क्या तरीका इस देश में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बनाने का, सेकंड सोर्स क्या है? तो एक्ट, स्टैट्यूट, बराबर। हमारे कंट्री में लॉ बना के भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज बना सकते हैं, लॉ बनाकर भी सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर तुमको याद रहेगा तो एक लॉ बनाया था जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। बाय द वे ये बॉडी कैसे बनी? तो ये बॉडी बनी एक लॉ के थ्रू। लॉ का नाम क्या है? लॉ का नाम है आईबीसी 2016। यस, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। इस कानून से ये बॉडी बनाई गई। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी? तो आंसर इज यस, राइट। सिमिलरली अगर मैं तीसरे सोर्स का बात करूं, अच्छा व्हाट इफ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं बना, व्हाट इफ अगर एक्ट के थ्रू नहीं बना, डू वी हैव एनी अदर थर्ड सोर्स? यस, क्या है वो? तो कैन आई से ऑर्डिनेंस पास बाय प्रेसिडेंट और एनी सर्क्यूलर इश्यूड और एनी नोटिफिकेशन पास्ड? अरे हाँ कि नहीं? ठीक है, अब सिमिलरली इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लूं, तो याद है कोविड के दौरान एक पीएम केयर फंड बनाया गया था। तो पीएम केयर फंड इज नथिंग बट एन इंस्टीट्यूशन और अ ट्रस्ट और अ बॉडी जिसको बनाया गया था एक नोटिफिकेशन पास करके। सिमिलरली अगर प्रेसिडेंट मैडम, प्रेसिडेंट मैडम अगर मान लो कोई कमिटी सेटअप करती है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कोई कमिटी सेटअप करती है, तो हाँ या ना में जवाब दो, क्या वो कमिटी जो सेटअप की गई है क्या उसे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बोला जाएगा? यस। एंड लास्ट सोर्स, चौथा सोर्स कौन सा है? जुडिशियल डिसीजन। फोर्थ सोर्स इज जुडिशियल डिसीजन। चौथे सोर्स की अगर मैं बात करूं तो चौथा सोर्स है जुडिशियल डिसीजन। तो जुडिशियल डिसीजन, दिस इज द फोर्थ सोर्स। अब ये जुडिशियल डिसीजन जो चौथा सोर्स है सर, ये क्या कहता है? काफी बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डिसीजन जब देते हैं तो डिसीजन देने के दौरान वो कभी कभी कोई कमिटीज या कोई अथॉरिटीज इनैक्ट करने को बोलते हैं टेम्पररी पर्पज के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एसआईटी बिठा दी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठा दी, या कोई स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ बना दिया। तो माय क्वेश्चन इज कि ये जो एसआईटी बनाई गई है, ये जो एसटीएफ बनाया गया है, क्या इसे भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कहा जा सकता है सर? यस। चलो ऑन अ कंक्लूजन नोट, देर आर फोर सोर्सेस। अच्छा, व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस टॉपिक? जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट? जानबूझ के मैंने इससे शुरुआत क्यों की, इस क्वेश्चन से, तो तुमको ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि ये क्वेश्चन आया गया था। ये देखो, ये देख भाई, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है मेरे लिस्ट के हिसाब से, बट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट आर द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंडिया, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, राइट? सो वी आर डिस्कसिंग अ क्वेश्चन व्हिच हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड। ऑल्सो काफी टाइम हो गया, देखो 2020, मतलब अगर तुम्हारा अटेम्प्ट डिसम्बर 23 है तो उस हिसाब से 3 साल हो चुके हैं इस क्वेश्चन को। सर इज देर एनी चांस दिस क्वेश्चन शुड, या दिस टॉपिक शुड गेट रिपीट अगेन? एब्सोल्युटली यस, थोड़ा उसको ध्यान देना, राइट? चलो वापस काम की चीज पे आते हैं। कौन से चार सोर्सेज है? साथ में बोलेंगे। पहला सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा एक्ट, स्टैट्यूट। तीसरा ऑर्डिनेंस, सर्क्यूलर, नोटिफिकेशन। चौथा जुडिशियल डिसीजन, बराबर। चलो अभी सोर्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं मैं। तो देर इज वन टॉपिक कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, अब ऑनेस्टली स्पीकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन पे ना आज तक ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं। वैसे मैंने कल के लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था, सिर्फ शॉर्ट में समझा देता हूं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन इज नथिंग बट अ चॉइस, इट इज नथिंग बट एन ऑप्शन, इट इज नथिंग बट अ चांस गिवन टू हुम? चॉइस, ऑप्शन, चांस गिवन टू हुम? तो इट इज गिवन टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू टेक व्हाट? टू टेक डिसीजन। आप डिसीजन ले सकते हो, इसका आपके पास चॉइस दिया गया। बट मुझे तुम सब लोग एक जवाब देना, ये डिसीजन लेगा अपनी पर्सनल इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए कि इट शुड बी एज पर लॉ? कैन आई से द डिसीजन शुड बी ओनली एज पर लॉ? इट शुड बी ओनली एज पर लॉ, राइट? कैन आई से डिसीजन शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल विम्स? शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल विम्स। कल किसी ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि सर विम्स क्या होता है? तो विम्स का मतलब डिजायर होता है, पर्सनल इच्छाएं। तो आप अगर फैसला लेते हो या फैसला लेने का आपको अथॉरिटी दिया गया है, फैसला लेने का आपके पास डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन मतलब चॉइस है, तो याद रखना वो फैसला आप सिर्फ और सिर्फ लॉ में दिए गए प्रोसीजर के बेसिस पे ही लोगे, ना कि अपनी पर्सनल इच्छाएं ध्यान में रखते हुए, राइट? तो
एज सच तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन पे आज तक कभी ऐसा आया नहीं है, एक बार मैं लिस्ट देख भी लेता हूँ। ये देखो पहले ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, ये जुडिशियल रिव्यू वाला क्वेश्चन है, फिर अगर मैं नेक्स्ट आता हूँ ये एक्सेप्शन से आगे डिस्कस होने वाला है, फिर अगर मैं इसकी बात करता हूँ फिर से जुडिशियल रिव्यू वाला क्वेश्चन है, फिर अगर मैं आगे जाता हूँ अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द डिसीजन एक्सरसाइज बाय अथॉरिटीज आर ट्रीटेड एज अब्यूज, तो ये अब्यूज वाला क्वेश्चन है आगे डिस्कस होने वाला है। प्रिंसिपल सोर्सेज जस्ट कर दिया, ये तो फेवरेट टॉपिक है, नेमोजुडिक्स इन कॉजस हुआ या फिर ऑडी ऑल्टरम पोल्टरम, ये सब फेवरेट टॉपिक है आईसीएसआई के। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ एवरी इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ये तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है। आगे जाता हूँ, एग्जामिन द नेसेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, लो आगे है। सो आई वॉज टेक्निकली रॉन्ग, अगर मुझे ऐसा लग रहा था नहीं आया तो है। अटेम्प्ट मे बी अटेम्प्ट इज, आई हैव टू फाइंड आउट द अटेम्प्ट, हाँ ऐसा रैंडमली कुछ बोलूँ इससे अच्छा अटेम्प्ट देखना पड़ेगा, बट हाँ आया है, ये पूछा गया है, इट इज अ पास एग्जाम क्वेश्चन। वॉट इज द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन, इसमें तुमको ना क्या किया है, दो चीजें पूछी है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन बता ये भी पूछा है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का नीड क्या है, मतलब वाई डू वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो आपको इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ, ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन दोनों एक्सप्लेन करना था, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन तो अब हम इन लोग पढ़ ही रहे थे वैसे भी। अगर मैं बुक की बात करूँ कि सर ये चीज हमारे टेक्स्ट बुक में है क्या करके, है पेज नंबर तो बोलो कोई, 194, मेरा खुद का स्पीड 1.25 है आज, तुम और 1.25 पे देखोगे तो पूरा यूट्यूब वीडियो 1.5 पे आएगा अभी। वो प्रॉब्लम ये कि लेक्चर 2 घंटे का, मेरा टारगेट थोड़ा ज्यादा है, आजा भाई। हाँ 194 ना, ये रहा, चलो पता ही नहीं चलना चाहिए तुमको कि 2 घंटे उड़ गए करके। ये देखो ये तुमको एक्सप्लेन करना था उसमें, एक तो ये तुमको बताना था उसमें पूरा का पूरा, अगर ऐसा पूछा है, और यही जस्ट मैंने एक्सप्लेनेशन में तुमको बोला। देखो मैंने तुमको बोला, ये देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मैं तुमको बताया क्या कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन कैन नॉट बी अकॉर्डिंग टू पर्सनल विम्स, बराबर, इट शुड बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, फेयर इनफ। चलो सी, आई एम मोर ओवर इंटरेस्टेड टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि जुडिशियल कंट्रोल क्या होता है और जुडिशियल कंट्रोल के बेसिस क्या होता है। एज सच तो कल भी बताया था, मैं सिर्फ टॉपिक का ओवरव्यू देते जा रहा हूं। तो याद रखना, जुडिशियल कंट्रोल इज नथिंग बट जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ठीक है ध्यान से सुनना मेरी बात, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करेगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करेगा, मैंने तुमको कल भी ये सवाल पूछा था, क्या ये डिस्क्रिशन फाइनल माना जाएगा? अरे हाँ या ना, ना, कैन आई से इट इज नॉट फाइनल, एंड सिंस इट इज नॉट फाइनल इसका मतलब ये कि मैं कोर्ट जा सकता हूं, कैन आई से मैं उस डिस्क्रिशन को कोर्ट जाके चैलेंज कर सकता हूं, ठीक है, आई हैव ऑल द राइट्स टू फाइल अ केस, आई हैव ऑल द राइट टू टेक द मैटर टू द कोर्ट। तो अगर मैं चैलेंज कर सकता हूं, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि हर डिस्क्रिशन जो एक सरकारी ऑफिसर ने लिया है, हर डिसीजन, हर अथॉरिटी जो सरकारी ऑफिसर ने एक्सरसाइज किया है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि दैट डिस्क्रिशन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल कंट्रोल, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल कंट्रोल? सर व्हाई इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल कंट्रोल? क्योंकि अगर सब्जेक्ट टू जुडिशियल कंट्रोल नहीं किया ना तो फेयर एक्सरसाइज नहीं होगा बेटा, वो फेयर एक्सरसाइज होगा ही नहीं। ये देख इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि द अंडरलाइनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ जुडिशियल कंट्रोल इज टू एंश्योर दैट द अथॉरिटी डज नॉट अब्यूज इट्स पावर एंड द इंडिविजुअल रिसीव्स जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट। अब आईसीएसआई को पता है कि आपको ये आता है, मतलब यू नो द रीजन दैट व्हाई डू वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो आईसीएसआई इज गोइंग टू जज यू ऑन, आईसीएसआई किस बेसिस पे जज करेगा? आईसीएसआई आपको पूछेगा कि एक काम बता, एक बात बताइए, जुडिशियल कंट्रोल का बेसिस क्या है? वॉट आर द बेसिस ऑन विच या ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन कंट्रोल, वी कैन कंट्रोल और वी कैन चैलेंज द डिस्क्रिशन एक्सरसाइज बाय द अथॉरिटी। अथॉरिटी ने डिस्क्रिशन एक्सरसाइज किया है, इसको चैलेंज करने का बेसिस क्या है? तो यू पीपल हैव टू रिमेंबर दैट देर आर 3 बेसिस। द वेरी फर्स्ट बेसिस कॉन्स्टिट्यूशन, द वेरी फर्स्ट बेसिस कॉन्स्टिट्यूशन। अक्सर नॉर्मल लेक्चर्स में मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि 2017-18 के दौरान मोदी जी ने या मोदी गवर्नमेंट ने, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आधार एक्ट को कंपलसरी किया था, मतलब आधार एक्ट हैज टू बी, आधार कार्ड सॉरी
आधार कार्ड हैज टू बी लिंक विद बैंक अकाउंट, ऐसा एक रूल पास हुआ था। अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आपको बताया था कि ये जो रूल पास हुआ था, इस रूल को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चैलेंज किया गया था। इसको कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चैलेंज किया था, क्या बोल के, कि आधार कार्ड को बैंक अकाउंट के साथ लिंक करने से आर्टिकल 21 में दिया गया राइट टू प्राइवेसी अफेक्ट हो रहा है। अरे याद है क्या, राइट टू प्राइवेसी अफेक्ट हो रहा है। तो ऐसा कोई भी सरकारी फैसला जिससे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहे हैं, तो क्या मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे रिट पिटीशन फाइल करके कोर्ट जा सकता हूं उस सरकारी फैसले के अगेंस्ट? तो आंसर इज यस। सो इफ नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन सर, व्हाट इफ अगर वो सरकारी फैसला कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट नहीं कर रहा, तो क्या करें सर? डू वी हैव एनी अदर बेस? यस वी हैव अ बेस। सेकेंड बेस क्या था? स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी इज द सेकेंड बेस। अब स्टैट्यूटरी मतलब यू हैव द फैसिलिटी अवेलेबल इन द लॉ ओनली। लॉ के अंदर ही आपको फैसिलिटी दे रखा है। क्या फैसिलिटी दे रखा है? तो दो फैसिलिटीज दे रखी है। एक तू अपील कर सकता है, इफ नॉट अपील तो तू रेफरेंस ले सकता है, रेफरेंस के लिए जा सकता है। किसके पास? हाई कोर्ट के पास, रेफरेंस टू हाई कोर्ट। सर फॉर एग्जांपल, कोई एग्जांपल है क्या सर आपके पास किसी लॉ का जिसमें मैं सीधा अपील कर सकता हूं? तो आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा है जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है? पहले तो 1986 था, अभी तो नया बना लिया, राइट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक लॉ है। तो इसमें कुछ बॉडीज हैं जिनका नाम है डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। अरे हाँ की ना। तो ये जो बॉडीज अवेलेबल है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, अगर मुझे इनका डिसीजन नहीं जमा तो डू आई हैव द राइट टू फाइल एन अपील? आंसर इज यस। तो इवेंचुअली अगर मैं कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, अगर ये सरकारी बॉडीज हैं, अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, तो क्या लॉ मुझे पावर देता है, क्या लॉ मुझे राइट देता है कि मैं इनके अगेंस्ट अपील करके कोर्ट जा सकता हूं? आंसर इज यस। सेम यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ सेबी एक्ट आल्सो। सेबी एक्ट 1992 में अगर आपको सेबी का डिसीजन नहीं जमता है तो यू कैन गो टू सैट। सैट का डिसीजन नहीं जमता, यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। कैन आई से द विंडो इज ओपन टिल सुप्रीम कोर्ट? यू स्टिल हैव द चांस टू फाइल एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट। सो दैट बिकम्स वन ऑफ द रीजन कि आप सैट जैसे अथॉरिटी के डिसीजन को भी चैलेंज कर सकते हो जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। अच्छा सर, इफ नॉट अपील देन यू कैन टेक अ मैटर इन द फॉर्म ऑफ रेफरेंस टू हाई कोर्ट। कैसे? जैसे आर्टिकल 226 के अंदर रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। रिट ऑफ मैंडमस तो है ही उस चीज के लिए बना हुआ। रिट ऑफ मैंडमस क्या बोलता है? कि अगर किसी सरकारी ऑफिसर अपना काम नहीं करता है तो आप मैंडमस फाइल करके उससे वो काम करवा सकते हो, राइट? अपनी लीगल ड्यूटी से उसको काम करवा सकते हो। तो मैंडमस फाइल कहाँ होता है? मैंडमस जनरली सबसे पहले फाइल होता है हाई कोर्ट के पास। तो दैट बिकम्स अगेन वन ऑफ द रीजन कि हम इनके पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। तीन बेसिस है, पहला बेस था कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा बेस क्या है? स्टैट्यूटरी। तीसरा बेस क्या है? ऑर्डिनरी या इक्विटेबल। दोनों नाम याद रख रहे बाबा। पहला नाम क्या? ऑर्डिनरी या इक्विटेबल। अब इस ऑर्डिनरी एंड इक्विटेबल में, इस ऑर्डिनरी या इक्विटेबल में यू हैव ऑप्शंस, राइट? क्या ऑप्शन है? एक तो आप सूट फाइल कर सकते हो। सूट फॉर व्हाट? डैमेजेस। किसी सरकारी फैसले की वजह से अगर आपका नुकसान हुआ है तो आप सरकारी फैसले के अगेंस्ट कोर्ट जाके डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, राइट? अच्छा, इफ नॉट डैमेजेस सर, तो डिक्लेरेटरी डिक्री। तो आप डिक्लेरेटरी डिक्री के लिए जा सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? डिक्लेरेटरी डिक्री लेने के लिए, बिकॉज डिक्लेरेटरी डिक्री इज आउटपुट, हाँ बाय द वे, ये कोर्ट का डिसीजन है ना, दिस इज अ कंक्लूजन। इफ डिक्लेरेटरी डिक्री इज अ कंक्लूजन, तो व्हाट फाइल, मुझे क्या फाइल करना पड़ेगा जिससे डिक्लेरेटरी डिक्री आएगा? बोल, क्या फाइल करना पड़ेगा जिससे डिक्लेरेटरी डिक्री आएगा? याद रखना, डिक्लेरेटरी सूट फाइल करना पड़ेगा। When we will file a declaratory suit, then the output of that suit, the output of that case is declaratory decree. By the way, what is declaratory decree? Declaratory decree is a declaration of the court with respect to the rights you have. Say for example, एक जमीन है जिस जमीन पे झगड़ा चल रहा है मेरा और सरकार का। Say for example, there is a land when there is a dispute between me and BMC. हम दोनों के बीच में झगड़ा चालू है, बीएमसी और मेरे बीच में। बीएमसी कह रहा है कि नहीं उनका जमीन है, मैं कह रहा हूं नहीं मेरा जमीन है। और ये मैटर फॉर एग्जांपल बॉम्बे हाईकोर्ट में पड़ा है।
तो अगर बॉम्बे हाईकोर्ट दोनों पार्टीज को बोलता है कि फैक्ट्स और एविडेंसेस सबमिट करो ये साबित करने के लिए कि असल में जमीन किसका है, और इसके लिए फैक्ट्स एंड एविडेंसेस फाइल कर दो आप, एंड फैक्ट्स एंड एविडेंसेस फाइल करने के बाद ये पता चलता है कि वॉट एवर द एविडेंसेज बीएमसी हैज और वॉट एवर द वे इन विच बीएमसी प्रूव्ड इज मोर कॉन्क्रीट देन वॉट एवर द एविडेंसेज आई सबमिटेड. अगर कोर्ट ये डिक्लेयर करता है दैट द पर्टिकुलर लैंड इन अ पर्टिकुलर एरिया बिलोंग्स टू बीएमसी, ये जो डिसीजन आया ना पर्टिकुलर लैंड बिलोंग्स टू बीएमसी, इसी डिसीजन को क्या कहते हैं? डिक्लेरेटरी डिक्री. डिक्लेरेटरी डिक्री में कोर्ट ओनली डिक्लेयर द राइट्स ऑफ द पार्टीज, इसके अलावा कोर्ट कुछ नहीं करता, ना ही कोर्ट कॉम्पेंसेशन की बात करता, ना ही कोर्ट परफॉर्मेंस की बात करता. डिक्लेरेटरी डिक्री इज अ मियर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स. एंड व्हेन दिस मैटर अराइजेस, ये सिचुएशन कब अराइज होता है? ये सिचुएशन तब अराइज होता है जब एक पार्टी आपके राइट्स को डिनाई करता है. किराए से मैंने डिनाई किया कि नहीं बीएमसी की जमीन नहीं है मेरी है, किराए से बीएमसी क्लेम कर रहा था उनकी है और मैं क्लेम कर रहा था मेरी है. तो क्वेश्चन ऑफ डिक्लेरेटरी डिक्री अराइजेस व्हेन? इट अराइजेस व्हेन व्हेन समबडी डिनाई योर राइट्स. अब हालांकि तुमको तो एमसीक्यू सब्जेक्ट नहीं है, बट अगर आईसीएस है के पास इस टॉपिक पे ना एक बेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है. अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 34-35 पढ़ोगे तो उसमें डिक्लेरेटरी डिक्री के प्रोविजंस दिए हुए हैं, और एक बेस्ट एमसीक्यू है. मैं तुमको रैंडमली पूछ लेता हूं, जितने लोग यहां बैठे हैं उनको मैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूं. अब जो डिक्लेरेटरी डिक्री आई, तो जब भी डिसीजन आता ना तो डिसीजन दो तरीके का होता है. इट कैन बी डिसीजन इन पर्सोनम और इट कैन बी डिसीजन इन रेम. रेम का मतलब होता है डिसीजन इन जेनेरिक, ये सबके लिए है. एंड डिसीजन इन पर्सोनम का मतलब डिसीजन इज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन. तो डिक्लेरेटरी डिक्री में दिए गए फैसले, मतलब डिक्लेरेटरी डिक्री जो खुद में एक फैसला है, ये फैसला, ये डिक्री, डिक्लेरेटरी जजमेंट, ये जजमेंट इन रेम है कि जजमेंट इन पर्सोनम है? हाँ ए भाई, डिक्लेरेटरी डिक्री इज डिक्री इन पर्सोनम. डिक्लेरेटरी जजमेंट इज जजमेंट इन पर्सोनम, इट इज नॉट इन रेम. सर व्हाई इट इज नॉट इन रेम? मुझे एक बात बताओ, बीएमसी ने केस अगेंस्ट इंडिया फाइल किया था कि अगेंस्ट सागर तोलानी फाइल किया था? इट वॉज अगेंस्ट मी. आई वॉज द वन हु वॉज डिनाइंग द राइट्स, एंड इफ आई वॉज द वन हु वॉज डिनाइंग द राइट्स, सो द डिसीजन विल बी अगेंस्ट मी ओनली. डिसीजन विल बी अगेंस्ट द पर्सोनम ओनली, स्पेसिफिक पर्सन ओनली. तो याद रखना, डिक्लेरेटरी डिक्री का इफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं. द इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेटरी डिक्री इज नॉट इन रेम, इट इज इन पर्सोनम. समझा? क्लियर हुआ? पक्का? चलो अच्छा. इस सर अगर मान लो सूट फॉर डैमेजेस भी नहीं है, डिक्लेरेटरी डिक्री भी नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? कल बताया था मैंने, इंजंक्शन है तेरे पास. और ये भी बताया था इंजंक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, दूसरा होता है मैंडेटरी इंजंक्शन. और प्रोहिबिटरी इंजंक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है टेम्पररी इंजंक्शन, दूसरा होता है परपैचुअल इंजंक्शन. थोड़ा संभालना, इसमें डिस्टिंग्विश आने के चांसेस है. ठीक है, मतलब ऑल ऑफ सडन कुछ नहीं आया तो सिर्फ इस पे सर 4 मार्क का डिस्टिंग्विश आ सकता है. राइट, सो दीज आर 3 डिफरेंट बेसिस थ्रू विच, बेस्ड ऑन विच आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के डिस्क्रिशन को चैलेंज कर सकते हो. चलो एक बार बोलेंगे, तीनों बेसिस का नाम लेंगे. पहला बेस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा क्या है? स्टैट्यूटरी. तीसरा क्या है? ऑर्डिनरी और इक्वेटेबल. स्टैट्यूटरी में दो ऑप्शन है, कौन से? अपील एंड रेफरेंस टू हाई कोर्ट. ऑर्डिनरी एंड इक्वेटेबल में 3 ऑप्शन है, कौन से? सूट फॉर डैमेजेस. दूसरा डिक्लेरेटरी डिक्री. तीसरा इंजंक्शन. इंजंक्शन दो तरीके के होते हैं, कौन सा? पर प्रोहिबिटरी इंजंक्शन एंड मैंडेटरी इंजंक्शन. प्रोहिबिटरी दो तरीके के होते हैं, कौन सा? टेम्पररी इंजंक्शन एंड परपैचुअल इंजंक्शन. सेट, सॉर्टेड. चलो अब अगर तुम पास पेपर्स के क्वेश्चंस को देखते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, हाँ ये रहा. अगर तुम पास पेपर के क्वेश्चंस को देखते हो, आईसीएसआई इज बिट ऑब्सेस्ड विद फ्यू टॉपिक्स. व्हाट आर दोस फ्यू टॉपिक्स? तो एक तो वो ऑडी ऑल्टरम पर्टरम, ठीक है, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस वाले टॉपिक ये, ठीक है. दूसरा नेमोजुडिक्स कॉजस हुआ, ठीक है. एंड तीसरा जुडिशियल रिव्यू, ठीक है. ये 3 टॉपिक है भी इंपॉर्टेंट ना, ऐसे ऑब्सेशन होने के पीछे का वजह भी है कि 3 टॉपिक है भी वैसे इंपॉर्टेंट भी है, तीनों के तीनों टॉपिक. राइट,
अब सर ये क्या है इन तीनों टॉपिक में, ऑडी ऑल्टरम बर्टरम नेमोजुडिक्स कॉजस हुआ जुडिशियल रिव्यू। तो हम लोग पहले जुडिशियल रिव्यू की शुरुआत करते हैं कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। सर ये देखो, मैं जुडिशियल रिव्यू पे आता हूँ। अब तुमको एक बेस्ट बात बताऊं, ये देखो इंस्टीट्यूट क्या खेल खेला था। कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस ही खुद में क्वेश्चन बन के आता है, द बिगेस्ट चेक ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इज अ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू फुल स्टॉप डिस्कस। और ये क्वेश्चन मैंने एक क्लासरूम में लिखवाया भी था, हम लोग ने ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया था और इसी फॉर्मेट पे लिखाया था कि देखो ये ऐसा आ सकता है। और ये क्वेश्चन ये देखो ऐसा आया हुआ है, December 22 अटेम्प्ट, सेम लैंग्वेज सेम सेंटेंस, द बिगेस्ट चेक ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू फुल स्टॉप इलाबरेट। चलो इलाबरेट करते हैं फिर। अब होता क्या है जुडिशियल रिव्यू, ये देखो पहले ये समझो। जुडिशियल रिव्यू का डायरेक्ट कनेक्शन आता है आर्टिकल 13 के साथ, हालांकि इस पूरे पैराग्राफ में कहीं आर्टिकल 13 की बात नहीं की गई है, बट आर्टिकल 13 अगर आप लोग का EET का एक्सप्लेनेशन याद है या कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्लेनेशन याद है, तो आर्टिकल 13 गिव्स टीथ टू द फंडामेंटल राइट्स, ऐसा पढ़ाया जाता है बोला जाता है। नाउ द वर्ड टीथ इज अ मेटाफोरिक वर्ड, इट रिप्रेजेंट्स समथिंग, द वर्ड टीथ रिप्रेजेंट्स पावर। एंड क्वेश्चन आता है ये पावर किसको दे रखा है, तो ये पावर दे रखा है सुप्रीम कोर्ट के पास। और इस पावर का नाम क्या, तो इस पावर का नाम है जुडिशियल रिव्यू। क्या काम है इस जुडिशियल रिव्यू के पावर का, तो जुडिशियल रिव्यू के पावर का काम ये है कि जब भी लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, मतलब जब भी पार्लियामेंट्री बॉडीज लॉ बनाएंगी, या जब भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज मतलब सरकारी अथॉरिटीज कोई डिसीजन लेंगी, तो ये डिसीजन या वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे इनवैलिड नहीं रहना चाहिए। इन शॉर्ट टू बी मोर प्रिसाइज, टू बी मोर सिंपल, इफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और एनी डिसीजन पास बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, इफ सच लॉ और दैट डिसीजन इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, देन बेस्ड ऑन दिस पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट विल डिक्लेयर दैट लॉ दैट डिसीजन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अर्थात अगर सरकारी फैसले या पार्लियामेंट्री लॉज संवैधानिक प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अगर वायोलेट करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं का वहीं उस लॉ को उस डिसीजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाएगा। यही जुडिशियल रिव्यू की पहचान है। और मैं जब तुमको अभी समझा रहा हूं, ये देखो वहां पे लिखा हुआ है क्या कहता है जुडिशियल रिव्यू, सेकेंड लाइन से पढ़ रहा हूं मैं, यहां से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। जुडिशियल रिव्यू इज द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स टू डिक्लेयर वॉइड, टू डिक्लेयर वॉट वॉइड वॉट द एक्ट्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव व्हेन इफ दे आर फाउंड इन वायोलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं भी यही बोला ना, सेम ही बात कर रहे थे हम लोग। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द हाइएस्ट कोर्ट, कौन है भाई, सुप्रीम कोर्ट, पावर ऑफ द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ द जुरिस्डिक्शन टू इनवैलिडेट, क्या लिखा हुआ है, इनवैलिडेट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स व्हाट द एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज विद इन द जुरिस्डिक्शन। द जुडिशियल रिव्यू इज नॉट एन अपील अगेंस्ट अ डिसीजन, बट इट इज अ रिव्यू ऑफ द मैनर इन विच द डिसीजन हैज बीन मेड। जुडिशियल रिव्यू इज कंसर्न नॉट विद द डिसीजन बट ऑल्सो विद द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब ICS है जनरली, जब आप आंसर लिखने की कोशिश करते हो, तो वॉट ICS आई ट्राई टू चेक, ICS आई ट्राई टू चेक दैट यू पीपल एक्चुअली नो, क्या तुम ये सब जानते हो कि जुडिशियल रिव्यू में क्या क्या देखा जाता है। तो भाई जुडिशियल रिव्यू में 5 चीजें देखी जाती है। कौन सी 5 चीजें, कि क्या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अपने पावर को एक्सीड कर रहा है, क्या क्या कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है, क्या क्या नेचुरल जस्टिस का ब्रीच हुआ है, क्या या किसी भी तरीके का अनरीजनेबल डिसीजन है, क्या या पावर्स को अब्यूज किया गया है, क्या। अगर ये 5 चीजों में से कुछ भी हुआ है, तो कैन आई से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सर कोई एग्जाम्पल दे सकते हो जहां जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज हुआ था, है ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। देर वॉज वन पर्टिकुलर गवर्नमेंट रन बाय अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि जो जुडिशरी मैटर्स है, जो जजेस अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंटमेंट प्रोसेस, हाई कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में सरकार एग्जीक्यूटिव बॉडी
will take a participation. They will involve their officers passively, actively नहीं, passively, ऐसा circular में लिखा हुआ था कि passively वो लोग क्या करेंगे, involve करेंगे अपने कुछ officers को जो judges appointment process में बैठेंगे. अब अगर मैं constitution का basic structure पढ़ता हूं तो constitution का basic structure कहता है कि judiciary is independent. And when I say independent, मतलब judiciary has nothing to do with कौन सी political party देश चला रही है. Judiciary has nothing to do with prime minister कौन है. Judiciary has nothing to do with cabinet ministry में कौन बैठा है. तो जब judiciary completely independent है, उसका सरकार से, legislature से कोई लेना देना नहीं है, तो imagine करो अगर executive body, government कहता है कि दो officer बिठाए जाएंगे judges appointment process में, can I say you are questioning the independency? And when you are questioning the independency, तो अगर judicial review यहाँ पे exercise किया जाए, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ऐसा circular pass करना, ऐसा decision लेना is affecting the constitution's basic structure. And if it is affecting the constitution's basic structure, एक second, हाँ, if it is affecting the constitution's basic structure, तो क्या बोलते हो? वो pass होने दिया जाएगा क्या? नहीं. अब एक student ने अच्छे से doubt पूछा, तो मेरे को बोलता है, सर, ये judicial review आता कब है? मतलब what are you trying to convey us कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऐसा बैठता है क्या कि देख क्या हो रहा है करे. तो आप सब लोग पता है कि कोई भी फैसले जो पार्लियामेंट्री में लोकसभा राज्यसभा में पास होते हैं एंड प्रेसिडेंट जब उनको साइन करते हैं तो उनके सिग्नेचर के पहले वो पूरा का पूरा ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट बेंच पे भी जाता है. और सुप्रीम कोर्ट बेंच पे इसीलिए जाता है कि सुप्रीम कोर्ट शुड हैव द पावर टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. यही रीजन के लिए तो वहां जाता है. और जब यही रीजन के लिए वहां जाता है, सुप्रीम कोर्ट जब रियलाइज करता है कि हाँ देर इज अ प्रॉब्लम, इट इज अफेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और इट्स प्रोविजन, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के बेसिस पे उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है? यस. इसीलिए कहा जाता है कि जुडिशियल रिव्यू दोनों स्टेजेस पे एक्सरसाइज होता है. व्हाट डू यू मीन बाय दोनों स्टेजेस? ध्यान से सुनना. जुडिशियल रिव्यू इज ऑल्सो एक्सरसाइज्ड कि क्या पावर डेलीगेट किया गया था. जुडिशियल रिव्यू इज ऑल्सो एक्सरसाइज्ड क्या पावर एक्सरसाइज किया. मतलब जब जुडिशियल रिव्यू होता है तो दोनों चीजें देखी जाती है कि उस अथॉरिटी को क्या क्या काम डेलीगेट हुआ था. क्योंकि मान लो दो मिनट के लिए कि जो काम तुमको डेलीगेट ही नहीं हुआ था, अगर तुम वो काम एक्सरसाइज कर रहे हो तो क्या वो भी अब्यूज है? अरे हाँ कि नहीं. इमेजिन अ सिचुएशन, समथिंग विच इज नॉट डेलीगेटेड टू यू एंड यू स्टिल एक्सरसाइज दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, कैन आई से यू आर अब्यूजिंग योर पावर? अच्छा इमेजिन करो कि अगर किसी को कोई पावर दिया गया है, समथिंग इज डेलीगेट, सम अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू अ पर्सन, टू अ गवर्नमेंट अथॉरिटी, एंड दैट पर्सन इज एक्सरसाइजिंग द अथॉरिटी, जो काम दिया गया वो कर भी रहा है, बट करने के दौरान अगर वो रूल फॉलो नहीं कर रहा, दिया गया प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहा, तो क्या वो भी अब्यूज है? तो इन शॉर्ट इसीलिए दोनों देखा जाता है. दोनों देखा जाता है मतलब क्या काम डेलीगेट किया था ये भी देखा जाता है, और क्या काम एक्सरसाइज किया ये भी देखा जाता है. और अगर ये तुमको एक्चुअली में समझा तो मेरे को एक जवाब देना, क्या काम डेलीगेट किया जाता है इसका भी रिव्यू होता है, और प्लस क्या काम एक्सरसाइज किया गया था इसका भी रिव्यू होता है. तो एक बात बताओ, क्वेश्चन ऑफ अब्यूज कब अराइज होगा? मतलब पावर एक्सरसाइज, जो पावर एक्सरसाइज किया है वो अब्यूजिव है, ये कब एक्सरसाइज होगा? डेलीगेशन के दौरान समझेगा कि एक्सरसाइज के दौरान समझेगा? कहने से एक्सरसाइज के दौरान समझेगा, इसीलिए तो एक्सरसाइज के नीचे दिया गया है, इसीलिए तो एक्सरसाइज के नीचे दिया गया है, इसीलिए तो एक्सरसाइज फर्दर डिवाइड होता है दो हेड्स में, क्या अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन एंड नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, राइट? तुम लोगों को मैंने नॉर्मल लेक्चर्स के दौरान भी, ऑर्डिनरी लेक्चर्स के दौरान भी बोला था कि इसमें से बेस्ट वाले कोई भी पांच याद रखना. और हम लोग ने तो वैसे भी लिस्ट भी बनाई थी. इफ यू नो रिमेंबर दिस डायग्राम, एडमिन डायग्राम किधर गया मेरा, इला ये नोट चाहिए, डायग्राम 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 इरा, हाँ तुमको अगर याद रहेगा तो देखो मैंने यहाँ पे बेस्ट पांच वाले लिखवाए थे. पहला क्या है? मालाफाइड, मालाफाइड नॉन कंप्लायंस, एक्सीडिंग जुरिसडिक्शन, इम्प्रॉपर पर्पस, वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है. अभी इसमें बहुत सारी चीजें और भी है, इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो देखो इरेलेवेंट कंसिडरेशन है, राइट?
आर्बिट्री ऑर्डर्स है, आर्बिट्री ऑर्डर्स मतलब ऑर्डर्स मेड ऑन पर्सनल बेसिस, फैंसीफुल बेसिस, राइट। तो हम अगर, क्या होता है ना कि जब आपके पास अगर चीजें एग्जॉस्टिव नेचर की है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसीलिए क्या करने का, उनमें से बेस्ट वाले चीजें चुन के रख देने का। तो ये बेस्ट वाली चीजें हम लोग ने डायग्राम बनाते जब हम लोग नॉर्मल क्लासेस में, तो हम लोग ने ये बेस्ट वाली चीजें साइड करके रख दी थी, क्योंकि इफ द से फॉर एग्जाम्पल इफ क्वेश्चन इज बीन आस्क फॉर 4 मार्क्स, फॉर 4 मार्क्स इफ यूर राइटिंग 5 पॉइंट्स, डिसेंट है वो, क्या खराब है। अच्छा तुमको इसके साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी तो करना है ना। तो अगर आप मान लो हुशियारी मार के एक और पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो उसका कंटेंट भी तो याद रखना पड़ेगा ना। तो तू ले ना, लिमिटेड ही रहे, ये 5 पॉइंट लिमिटेड है, डिसेंट है, एक और आईसीएस है, इसको अप्रिशिएट भी करेगा। तो क्या क्या 5 पॉइंट है, तो हमारे एक्सप्लेनेशन के हिसाब से मालाफाइड नॉन कंप्लायंस एक्सीडिंग जुरिसडिक्शन, इम्प्रॉपर पर्पस, वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हेन अ डिस्क्रिशनरी पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द अथॉरिटी विद बैड फेथ और डिसऑनेस्ट इंटेंशन, क्या इसे अब्यूज माना जाएगा? यस। एंड दैट एक्शन विल बी व्हाट? दैट एक्शन विल बी कॉस्ट, दैट एक्शन विल बी कॉस्ट। अच्छा उसके बाद आता है नॉन कंप्लायंस, ये रहा नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस विद प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। इफ द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट लेड डाउन इन द लॉ इज मैंडेटरी एंड इट इज नॉट कंप्लाइड, कैन आई से द एक्सरसाइज ऑफ पावर इज बैड? तो ये भी अब्यूज है। अच्छा एक्सीडिंग जुरिसडिक्शन, द अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज द पावर विद इन द लिमिट ऑफ द स्टैट्यूट एंड कॉन्सिक्वेंटली इफ द अथॉरिटी एक्सीड दिस लिमिट दिस एक्शन विल बी हेल्ड टू बी अल्ट्रा वायरस एंड देयर फॉर वॉइड। तो आपका जब आप ये याद रखते हो कि मुझे ये बस ये 5 हेडिंग ही पढ़नी है, तो ऑटोमेटिकली आपको उस 5 हेडिंग का कंटेंट भी याद रहना चालू होता है, ठीक है। देन यू डिसाइड कि बाकी के है ही नहीं, नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस ओनली। तो वो जब आप ऐसा कंफ्यूज नहीं करोगे खुद को और लिमिटेड कंटेंट में ही आप ध्यान रखोगे, तो आपका आंसर क्वालिटेटिव रहेगा ही, क्वालिटी दिखेगा आंसर में। सब पढ़ने के चक्कर में जाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। चलो इन शॉर्ट आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे, कौन से बेसिस पे डिस्क्रिशन अब्यूज किया जा सकता है, किन फैक्टर्स पे। तो टोटल 5 फैक्टर्स याद रखने, पहला क्या है? मालाफाइड, दूसरा नॉन कंप्लायंस, तीसरा एक्सीडिंग जुरिसडिक्शन, चौथा इम्प्रॉपर पर्पस एंड पांचवा वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। सर ये जो आप हमको पढ़ा रहे हो ये एग्जाम में आया था क्या? आया था, ये देखो क्वेश्चन पूछा था, ये रहा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द डिसीजन एक्सरसाइज बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आर ट्रीटेड एज अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन, एक्सप्लेन एनी 4। मैंने तुमको कितने बोले? 5 याद रखने को। तो मैं तो आईसीएसए क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ, आईसीएसए बोलता है एनी 4 बता, तो भी तू 5 लिख के आएगा, तो खुश नहीं होगा तो क्या होगा वो। चलो आगे आगे आते हैं। हाँ, डिस्कस द रूल ऑफ नेमोजुडिक्स इन कॉजस हुआ, ठीक है। पहले पहले बात तो एक बात बताओ, नेमोजुडिक्स इन कॉजस हुआ का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? पर्सन कैनॉट बी जज इन हिज ओन कॉज या इन हिज ओन केस, इन हिज ओन केस, ठीक है। अब जैसे ही ये हुआ, ये देखो हम लोग ने जब डायग्राम बनाया था तो ये डायग्राम में भी हम लोगों ने ये रहा नहीं लिखा, नेमोजुडिक्स कॉजस हुआ, नेमोजुडिक्स कॉजस हुआ, रूल अगेंस्ट बायस। अच्छा ये जून 23 में भी आया था, रूल अगेंस्ट बायस, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ये देखो जून 23 में ये क्वेश्चन पूछा था, डिस्कस रूल अगेंस्ट बायस, तो ये रिसेंटली भी आके गया है, तो चांसेस आर लेस कि डिसंबर 23 में इसे रिपीट किया जाए। हाँ, रूल ऑफ फेयर हियरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं डिसंबर 23 के लिए। अच्छा रूल अगेंस्ट बायस में 3 तरीके के इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए, कौन से 3 तरीके के इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए? पर्सनल इंटरेस्ट, सब्जेक्ट मैटर इंटरेस्ट, पेक्यूनरी इंटरेस्ट, 3 इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए, राइट। अच्छा रूल ऑफ फेयर हियरिंग, ऑडी ऑल्टरम पर्टरम क्या कहता है? कि दोनों पार्टीज को सुनने का मौका मिलना चाहिए, बोथ द पार्टी शुड बी हर्ड, राइट, अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू बोथ द पार्टीज। बट व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी? कैन आई से यू शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी, यू शुड हैव द राइट टू नोटिस, तुमको हर हियरिंग का, हर प्रोसीडिंग का नोटिस मिलना चाहिए। Can I say you should have right to present case? Can I say you should have right to explain your facts and evidences? Can I say you should have right to cross-examine? Can I say every order issued in your matter, that order is supposed to be a speaking order? Achha, speaking order kya hota hai? Can I say an order with justification?
ऐसा ऑर्डर जिसमें जस्टिफिकेशन भी साथ में दिया हुआ है कि क्यों वो पास हुआ गया, ऐसे ऑर्डर्स जिसका एक्सप्लेनेशन ऑर्डर के साथ आता है उसे स्पीकिंग ऑर्डर कहते हैं, राइट। तो ये चार चीजें तुम याद रखना। सर अगर इसमें मुझे और भी कुछ ऐड करना है मैं कर सकता हूँ, योर चॉइस सर। जैसे क्या कर सकते हैं ऐड, ये देखो ICS है, ये रहा, हाँ ये देखो और चीजें क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग अगर करना रहा तो। ये देखो राइट टू नोटिस मैंने बताया, और काफी बार क्या होता है ना, देखो इरिस्पेक्टिव यू रीड फ्रॉम ICSM मॉड्यूल या रीड फ्रॉम एनी क्लासेस टेक्स्ट बुक, देखो आपको आपके कम पहले ना आपके कंटेंट को लिमिट करना पड़ेगा। एक चीज मैंने कल नहीं बताई तुमको, बट अगर मैं कहीं से पढ़ रहा हूं, देखो द बेनिफिट ऑफ हैविंग हैंड रिटन नोट्स, मैं उसको लिमिट करके रख देता था। बट अगर आप किसी बुक में से पढ़ रहे हो तो इतने बड़े पैराग्राफ में से पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपको कितना पढ़ना है। इफ यू कॉन्स्टेंटली रीड द एंटायर पैराग्राफ ईच एंड एवरी टाइम, तो तुमने याद थोड़ी रखा है कुछ, तुम तो रीड करते जा रहे हो। तो इसीलिए तुमको पहले ये तय करना है कि मुझे याद कितना रखना है और डिसेंट मतलब कितना लगना चाहिए अगर मैं आंसर पे लिखने बैठूंगा या बैठूंगी। तो फर्स्ट यू डिसाइड द कंटेंट विच यू आर गोइंग टू बाई हार्ट। तो जैसे राइट टू नोटिस, तो पहला अगर मैं पैराग्राफ की बात करूं, कहता है कि हियरिंग स्टार्ट्स विद द नोटिस बाय द अथॉरिटी कंसर्न टू द अफेक्टेड पर्सन, अनलेस अ पर्सन नोज द केस अगेंस्ट हिम ही कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ, देयरफॉर बिफोर द प्रोसीडिंग स्टार्ट्स द अथॉरिटी कंसर्न इज रिक्वायर्ड टू गिव टू द अफेक्टेड पर्सन द नोटिस ऑफ द केस अगेंस्ट हिम। डिसेंट सा एक्सप्लेनेशन है सर। अगर लग रहा है कि सर ये थोड़ा इनएडिक्वेट है सर, सफिशियंट नहीं है, तो ये लाइन ऐड कर, नोटिस मस्ट बी गिवन विद इन सफिशियंट टाइम टू द पर्सन कंसर्न टू प्रिपेयर हिज केस। तो तुझे क्या रहेगा हर बार ना, तू सिर्फ इतना ही पढ़ेगा एंड द पार्ट विच इज नॉट हाईलाइटेड वो तेरा हिस्सा रहेगा ही नहीं, एंड देयरफॉर यू विल बी स्टिक टू द क्वालिटी कंटेंट एवरी टाइम। सिमिलरली राइट टू प्रेजेंट केस एंड एविडेंस की अगर मैं बात करूं, हमने हेडिंग्स तो डाल रखे यहां पे, हम लोग ने हेडिंग्स तो डिस्कस कर ली है, इवेंचुअली मार्क्स तो कंटेंट लिखने पे मिलेगा ना। तो पार्टी अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड मस्ट बी गिवन फुल अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हिज और हर केस एंड द एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ इट। खत्म, बात खत्म हो गई इतनी। तो पहले तो ये ऐसा करना स्टार्ट कर लो, क्योंकि तुम फिर उतना ही बार पढ़ोगे, उतना ही पार्ट बार बार पढ़ोगे जितना तुमने हाईलाइट करके रखा है, राइट। स्पीकिंग ऑर्डर की बात कर रहा था, ये देखो एन ऑर्डर, अ स्पीकिंग ऑर्डर इज एन ऑर्डर विच स्पीक्स फॉर इटसेल्फ और टेल इट्स ओन स्टोरी, इट इज ऑल्सो नोन एज रीजन्ड डिसीजन, मतलब अ डिसीजन विद अ रीजन, राइट। द डिसीजन ऑर्डर शुड कंटेन रीजन इन इट्स सपोर्ट। इन एडिशन टू डिसीजन इटसेल्फ पार्टी ऑल्सो हैव द राइट टू नो द रीजन बिहाइंड दैट डिसीजन एज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। द फर्स्ट पैराग्राफ इज सफिशियंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पीकिंग ऑर्डर, राइट। अच्छा ICSI ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि नेचुरल जस्टिस के एक्सेप्शंस क्या है। इफ आई हैव टू डिस्कस अगेन द डायग्राम पार्ट, क्या डायग्राम में हम लोग ने एक्सेप्शंस नहीं लिखे थे, ये देखो डे वन से कह रहा था पूरा चैप्टर इस पूरे डायग्राम में है, ये पूरा चैप्टर इसमें कंप्लीट है, ये बोर्ड पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, आप लोग आपके बुक्स में भी करते हो, पूरा का पूरा चैप्टर डायग्राम में डाल रखा है। अगर मैं एक्सेप्शंस की बात करूं तो टोटल 5 एक्सेप्शंस है। ये वो एक्सेप्शनल केसेस है जहां नेचुरल जस्टिस की जरूरत नहीं है, या मैं ऐसा कहूं ये वो केसेस है जहां नेचुरल जस्टिस एप्लीकेबल नहीं हो सकता। दीज आर दोज 5 सिचुएशंस वेयर रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैज नो प्लेस। व्हाट आर दोज 5 एक्सेप्शनल केसेस? पहला क्या है? स्टैचुटरी एक्सक्लूजन। दूसरा क्या है? इमरजेंसी अर्जेंसी। तीसरा क्या है? इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन। चौथा क्या है? एकेडमिक इवैल्यूएशन। पांचवा इम्प्रैक्टिकलिटी, इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, राइट। सर व्हाट इज स्टैचुटरी एक्सक्लूजन? स्टैचुटरी एक्सक्लूजन का मतलब लॉ ही कह रहा है, कुछ कुछ ऐसे इंडिया में लॉ है जो कहते हैं नेचुरल जस्टिस की कोई जगह नहीं है। ये देखो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मे बी एक्सक्लूडेड बाय द स्टैचुटरी प्रोविजन व्हेन द स्टैट्यूट एक्सप्रेसली और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन एक्सक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस द कोर्ट डज डू नॉट इग्नोर द स्टैचुटरी मैंडेट। खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा इमरजेंसी सिचुएशंस क्या हो सकते हैं? इन एक्सेप्शनल केसेस ऑफ अर्जेंसी और इमरजेंसी वेयर प्रॉम्प्ट एंड प्रिवेंटिव एक्शन इज रिक्वायर्ड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नीड नॉट बी ऑब्जर्व्ड। आप लिख सकते हो कि इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, से फॉर एग्जाम्पल कोविड में लॉकडाउन लगाया गया था, वॉज डन इन द इमरजेंसी मैटर, जहां पे रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस की
कोई जगह ही नहीं है। अगर किसी के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है तो उस केस में रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस वहां काम नहीं करता। द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर नॉट अट्रैक्टेड इन द केसेस ऑफ इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन ऑफ एन एम्प्लॉई पेंडिंग एन इंक्वायरी अगेंस्ट हिम इज नॉट फाइनल बट इंटरिम ऑर्डर एंड द एप्लीकेशन ऑफ द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज नॉट अट्रैक्टेड इन द केस ऑफ सच ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल समझो किसी को सस्पेंड करके रखा है, ठीक है, और उसके ऊपर इंक्वायरी चालू है, और उस दौरान अगर वही सेम ऑफिसर कोई चीज रिपीट करता है विच इज अगेन अब्यूज ऑफ पावर, तो उसको फिर से सुना जाएगा क्या? नहीं ना। कैन आई से नाउ सस्पेंशन के बाद डायरेक्टली टर्मिनेशन? देखो यहां पे दिया हुआ है एन ऑर्डर वॉज पास बाय द कॉलेज अथॉरिटी डिबारिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम एंटरिंग द प्रीमाइसेस ऑफ द कॉलेज। ऑलरेडी उनको डिबार करके रखा था एंड अटेंडिंग द क्लास टिल द पेंडेंसी ऑफ द क्रिमिनल केस अगेंस्ट देम फॉर स्टैबिंग अ स्टूडेंट। द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस विल नॉट बी एप्लीकेबल इन सच केस। जब तुम ऑलरेडी इंक्वायरी पीरियड में हो, जब ऑलरेडी तुम्हें डिबार करके रखा है, तुम किसी डिसिप्लिनरी इंक्वायरी के अंदर हो, तो तुम्हारी बात तो सुनने का कोई चांस ही नहीं है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वहां आता ही नहीं है, ठीक है। सिमिलरली एकेडमिक इवेल्युएशन, मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं कि कुछ कॉलेजेस, कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ इंस्टीट्यूट्स बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर है अपने इवेल्युएशन को लेकर। से फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी कॉलेज का रूल है कि अगर कोई भी स्टूडेंट दो सब्जेक्ट में फेल होता है तो कॉलेज उसको डीबार कर देगा, कॉलेज उसको निकाल देगा, ठीक है, कॉलेज उसको सस्पेंड नहीं सीधा निकाल देगा, जो भी फीस पे किया वो फोरफीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन आता है कि अगर स्टूडेंट को निकाल दिया अपने रूल्स को ध्यान में रखते हुए, तो क्वेश्चन आता है कि सर क्या वहां नेचुरल जस्टिस इग्नोर किया जाएगा? यस, द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस कैन बी इग्नोर्ड। और इम्प्रैक्टिकलिटी तो हम लोग हर बार क्लास में बैठ के, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं तुमको कि अगर मेरे हाथ JIJL पेपर लग गया, याद है? वो याद है किसी की तो बैच में, मैं वाशी ब्रांच था शायद, कोई अगर वाशी का यहाँ है तो तुम लोग के ब्रांच में भी था, वाशी ब्रांच में ना 15 मिनट का पूरा मैं पूरी स्क्रिप्ट बता रहा हूँ घाट को पर मैं ना इधर विंडो था, विंडो पे बैठ के मैं पूरी स्क्रिप्ट बता रहा हूँ कि पेपर मेरे हाथ लग जाएगा, मैं कैसे शेयर करूं, सोच रहा हूं आप लोगों के साथ, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, बट फिर मैं पकड़ा गया तो एक स्टूडेंट मेरे को बोलता सर आप नहीं पकड़े जाओगे। मैं बोला क्यों? बोलता मेरे पास सोर्स है सर, हैक है, आप नहीं पकड़े जाओगे। तो खड़े हो गया, बोलता है सर ये देखो ना, इस ऐसा टेलीग्राम को ऐसा करेंगे ना तो आप पेपर डाल भी दोगे ना तो फिर नहीं समझेगा किसी को। अब मान लेते मैंने पेपर डाल दिया, आप सबको पेपर हाथ में भी मिला, एग्जाम के एक दिन पहले आपके पास JIJL का पेपर, आप सेंटर पे गए, इंस्टीट्यूट को पता चल गया है पेपर लीक हो गया है, मेरे ऊपर कार्रवाई चालू हो चुकी है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ICS से कहता है कि टुडेज पेपर इज कैंसल्ड, आर दे गोइंग टू गिव यू एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर कैंसलिंग द लेक्चर और बिफोर कैंसलिंग द एग्जाम? नो। Why? Because उस सिचुएशन ही इम्प्रैक्टिकल है। क्या मतलब, क्या एक्सपेक्ट करो कि ICS ग्रुप में सबको खड़ा करके पूछे किसने पेपर देखा हाथ ऊपर करो, किसने पेपर नहीं देखा हाथ ऊपर करो? ऐसा देखो, ये मैंने ना ये जो कहानी बनाई थी वो यहीं से ही थी। The entire MBA entrance examination was cancelled on the grounds of mass copying. अच्छा, इसमें उल्टा हुआ था। No opportunity of being heard was given before cancelling the exam. Why no opportunity was given? Because it was impractical to give opportunity. क्या पूछे बेचारा examiner पे, क्या पूछे कि किसने किसने copy नहीं किया हाथ ऊपर करो? तो opportunity of being heard आता ही नहीं है वहां पे। The court held that it was not possible to give all the examinees the opportunity of being heard before cancellation of exam. Therefore, the natural justice will be failed. It will not be followed. Right? अच्छा, मैंने तुमको अगर कल याद है तो मैंने तुमको बताया था कि दिस चैप्टर हैज फ्यू सच क्वेश्चंस विच आर बीन इग्नोर्ड, और रादर ICS हैज सम डिफरेंट प्लान्स। कौन से क्वेश्चंस? तो पता नहीं क्यों डाल के रखा है, अगर पूछना ही नहीं है तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जाके पेपर उठा के देख लो, December 18 से लेकर June 23 तक किसी में भी नहीं पूछा है। एंड अगर पूछा नहीं है तो देन why it is there in your syllabus? तो I really doubt हाँ, I feel my analysis says कि December 23 is the attempt जहां government contract entry करेगा, debut करेगा,
ठीक है, ध्यान देना गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का। सर क्या लिखने का उसमें, ये देखो बताता हूं मैं क्या लिखने का, कहां गया ये रहा। दो चीजें आपको याद रखनी है, कौन सी दो चीजें, एक तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरा टॉर्टियस लाइबिलिटी। ये रहा टॉपिक टॉर्टियस लाइबिलिटी और दूसरा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। चलो सर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, हाया नामे जवाब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कुछ भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन है क्या? ना। तो कहां है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 299। आर्टिकल 299 टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, बराबर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। हाँ, बट व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स विद द गवर्नमेंट? तो एसेंशियल्स की जब बात आती है तो ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन का काम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैन आई से सेंट्रल गवर्नमेंट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, बराबर। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। कोई इंसान है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं। कोई इंसान है क्या महाराष्ट्र करके? नहीं। तो कहना है ये तो आर्टिफिशियल बॉडीज है, ये तो लीगल एंटिटीज है। तो लीगल एंटिटीज अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो सर लाइबिलिटी की बात जब आती है तो लाइबिलिटी किस पे इंपोज करें? तो आर्टिकल 299 बहुत क्लियर बात करता है। आर्टिकल 299 बोलता है कि सारे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो उनको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो कौन करेगा? गवर्नर। और ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन होने चाहिए, एग्जीक्यूशन होने चाहिए मतलब दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर सपोज टू बी इन राइटिंग। प्रेसिडेंट विल अपॉइंट अ पर्सन और प्रेसिडेंट विल नॉमिनेट अ पर्सन जिसको अथॉरिटी दी जाएगी कि वो एग्जीक्यूशन का काम पूरा करे। द एग्जीक्यूशन शुड बी डन बाय द पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। ये तीन कंडीशन पूरी होनी चाहिए। क्या कहने के लिए? ये कहने के लिए कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बराबर। अच्छा बट एक बात क्लियर रखी थी, अगर तुम आर्टिकल 299 क्लॉज 2 पढ़ते हो, इफ यू रीड आर्टिकल 299 क्लॉज 2, उसमें क्लियर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि जस्ट बिकॉज प्रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं या गवर्नर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो अगर फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो क्या ये उनका सोल लाइबिलिटी, पर्सनल लाइबिलिटी बनेगा क्या? ना, ये उनका कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं बनेगा। तो इट इज मेड वेरी क्लियर दैट नाइदर द प्रेसिडेंट नॉर द गवर्नर will be personally liable in case of any breach done by, in case of any breach done by government, any of the government, be it central government or be it state government, right? And if I have to talk about notes, देखो ये चीजें ये मैंने यहां पर लिखवाई थी आप सब लोगों को, ये रहा, आजा ये देख, ठीक है। मैं हो सकता है पीछे से ना दिखे तो मैं रीड करता हूं, ध्यान से सुनना। The Constitution of India permits the central and the state government to enter into contracts. The contract entered by or with the central or state government has to fulfill certain requirements which are prescribed under which article? Article 299 of the Constitution. What does the Article 299 says? The Article 299 says all contracts which are made by the central or state government shall be expressed in such a manner as if they are made by the president or by the governor of state, as the case may be. And all such contracts and all assurances of the property shall be executed on the behalf of president or the governor by such person as in such manner he or she may be authorized. ठीक है, similarly अगर मैं इधर की बात करूं, 299 clause 2 क्या कहता है? Neither the president nor the governor shall be personally liable in respect of any contract or assurance made. In such case, contract remains unperformed by the government. अगर government से contract perform नहीं हो पाया तो क्या personal liability president या governor के ऊपर आएगी? तो answer is no. सुनो आगे लिखा हुआ है, as soon as the contract is executed with the government, automatically क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इफेक्टिव हो जाएगा? हाँ। अच्छा मैंने तुमको ये भी बताया था कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में जब ब्रीच होता है तो यू कैन आस्क फॉर अ रेमेडी, बट दैट रेमेडी विल बी व्हाट? सूट फॉर डैमेजेस।
In India, the remedy for breach of contract with government is suit for damages. बराबर, तो ये संभाल लेना भाई, ठीक है। ये सब बेसिक चीज है, ये हम लोग ने लिख रखा था। हाँ, ये गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस लोटस होटल में पहली बार ऐसा कहा गया था कि मैंडमस इशू किया जा सकता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट। बट इसमें भी ये कहा था कि मैंडमस इशू करके यू कैन नॉट आस्क फॉर परफॉर्मेंस, आप परफॉर्मेंस की मांग नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ कॉम्पेंसेशन डैमेजेस की मांग कर सकते हो। ये देखो लिखा हुआ है, इट वॉज हेल्ड दैट द रिट ऑफ मैंडमस कैन बी इशूड अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और फॉर फुलफिलिंग देयर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। अगर सरकार ने अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन नहीं पूरा किया है तो आप उनसे वो पूरा करवा सकते हो। कैसे? मैंडमस फाइल करवा के, पर अगर मैंडमस फाइल करते हो तो आप परफॉर्मेंस की डिमांड नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ कॉम्पेंसेशन की डिमांड कर सकते हो, राइट। सो मेक श्योर व्हेन यू रीड दिस चैप्टर, व्हेन यू रिवाइज दिस चैप्टर, माय हम्बल रिक्वेस्ट इज की पीछे से चालू करना, ठीक है। उल्टा स्टार्ट करना, आप पहले 299, 300 एक्सेप्शंस ऐसे जाना तो थोड़ा चांसेस है। हाँ, बिकॉज नीचे के पार्ट इग्नोर किए गए हैं ऐसा मुझे लग रहा है, या उनके कुछ डिफरेंट प्लान्स है। फेयर इनफ, इफ यू हैव एनी डाउट डिफिकल्टी विथ रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज अपना प्लान है आज का एविडेंस और सीपीसी पे जाना। तो पहले हम लोग एविडेंस स्टार्ट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कोई डाउट नहीं? पक्का डन? सच्ची? आ जाओ, लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस। और जितने लोग आज नहीं आए, मतलब सी आई टोटली अंडरस्टैंड, ऑफलाइन आने के लिए यू नीड टू ट्रैवल, बट कल संडे लोकल खाली रहता है भाई, कल आने में कोई दिक्कत नहीं है तुमको, आओ एक साथ भरपूर आके बैठो, ठीक है। कल मेगा ब्लॉक 10:30 से 12:30 में थोड़ी होता है कुछ, अब वो भी है 2 घंटा, इतना कौन ट्रैवल करेगा। कोई बात नहीं। तो यूट्यूब पे कितने बैठे हैं? अच्छा, उस उधर समझता है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एविडेंस से शुरुआत करते हैं, चालू करें। चलो मैं तुम सबको एक क्वेश्चन पूछ रहा है, June 23 का क्वेश्चन है, बाय द वे June 23 में पूछा था ये, राइट। चलो मुझे एक बात बताओ, ये रीड करो पूरा, ये रीड करने के बाद ऐसा कुछ लग रहा है कि ये सर रिलेट कर रहा है, मैंने पढ़ा है सर, कर रीड कर। हाँ रीड करो। तुमको दो चीजें बतानी है, विच रूल अप्लाइज टू दिस केस वन एंड विच इज दिस केस हैविंग डिफरेंट फैक्ट, मतलब ये रेफरेंस किस केस का कर रहा है। हाँ, ये तुमको याद है रूल ऑफ इस्टॉपल, रूल ऑफ एस्टॉपल, बीजू पटनायक केस, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक ओडिशा, एविडेंस एक्ट का पेज नंबर बोलना 62। मिल गया, ये देख, वो केस जो दिया था अभी क्वेश्चन में पूछा था रिसेंटली June 23 में, वो केस के फैक्ट्स और ये बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक वर्सेस साईराम कॉलेज के फैक्ट्स हूबहू मैच करते हैं। मतलब द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ये बंद कर देता हूं, हाँ ये रहा। तो अगर मैं दो क्यों रुके, ठीक है मिल गया। चलो तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, द स्टूडेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन अंडर अ स्पेशल स्कीम एंड द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड बट द डिग्री ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स वर नॉट इश्यूड एज द यूनिवर्सिटी डिसाइडेड टू फर्दर एग्जामिन द स्टूडेंट ऑन द एडिशनल सब्जेक्ट, कैन द यूनिवर्सिटी डू सो? आंसर इज नो। डिस्कस द रेलेवेंट रूल ऑफ एविडेंस, the relevant rule is rule of
एस्टॉपल, ठीक है, रूल ऑफ एस्टॉपल। ये देखो सेक्शन 115। अब सर अगर रूल ऑफ एस्टॉपल पूछा गया है तो अब देखो आईसीएस है ना, अप्रिशिएट करता है जब हम ऐसे सब लीगल मैक्सिम्स लिखते हैं, ठीक है, मतलब दे अप्रिशिएट की, अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आपने ये याद रखा, दे अप्रिशिएट योर एफर्ट्स याद रखने के बाद स्पेलिंग राइट लिखी है, राइट सर। व्हाट इफ नहीं याद रहा, तो मान लेते 2 मिनट के लिए एग्जाम प्रेशर में नहीं याद रहा, तो ये याद नहीं रहा, कम से कम ये तो लिख किया तू। मैं सर्टिफाइंग कॉपी जब देखता हूँ ना, अच्छा ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल ऑफ इस्टॉपल हैज बीन आस्क्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, अच्छा देखो ये भी दिखाता हूँ, ये देख पहली बार नहीं पूछा ये, पहले इसके पहले भी आया है प्रिंसिपल ऑफ इस्टॉपल, किधर गया सीपीसी, ये रहा, हाँ प्रिंसिपल ऑफ इस्टॉपल पहले भी आया था, ये दूसरी बार रिपीट हुआ था, ये देख डिस्कस ब्रीफ प्रिंसिपल ऑफ इस्टॉपल अंडर एविडेंस एक्ट, तो ये जून 19 के डिसंबर 19 में पहले भी एक बार आके गया था। तो क्वेश्चन आता है सर जब ये रिपीट हुआ था, मतलब अभी रिपीट हुआ है, तो इफ वी हैव टू राइट समथिंग व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ आंसर, तो पहले तो रूल ऑफ इस्टॉपल क्या बोलता है, कैन आई से रूल ऑफ इस्टॉपल बोलता है कि यू कैन नॉट से डिफरेंट फैक्ट्स एट डिफरेंट टाइम्स, यू कैन नॉट से कॉन्ट्ररी फैक्ट्स कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स एट टू डिफरेंट टाइम्स, यही कहता है रूल ऑफ इस्टॉपल, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करने का, इंस्टीट्यूट को बताने का कि देखो ये इस मैक्सिम से आया है, दिस एंटायर इस्टॉपल रूल इज बेस्ड ऑन दिस मैक्सिम, बट सर व्हाट इफ आई डू नॉट रिमेंबर द सेंटेंस, और इफ आई रिमेंबर द सेंटेंस बट आई डोंट नो वेदर द स्पेलिंग इज करेक्ट और नॉट, सो डोंट टेक अ रिस्क। तो क्या करने का सर, तो लिखने का इस्टॉपल इज बेस्ड ऑन एन इंग्लिश मैक्सिम, ठीक है, ये लैटिन फ्रेज है, तो उसका इंग्लिश फ्रेज क्या है, अ पर्सन एलिजिंग कॉन्ट्ररी फैक्ट शुड नॉट बी हर्ड, तो ये तो तुझे याद रखना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। अच्छा क्या कहता है रूल ऑफ इस्टॉपल, द प्रिंसिपल ऑफ इस्टॉपल कवर्स वन काइंड ऑफ फैक्ट्स, मतलब जो एक बार बोलो वही माना जाता है, इट सेज दैट मैन कैन नॉट अप्रोब्रेट एंड रिप्रोब्रेट, मतलब तुम हाँ भी बोलोगे बाद में ना भी बोलोगे नहीं चलेगा, और द मैन कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम, बराबर, तो ये तुमको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, फिर तुमको समझाओ ना, फिर तुम बताओ रूल ऑफ इस्टॉपल क्या होता है, तो फिर बताओ कि जनरल रूल ऑफ इस्टॉपल सेज दैट व्हेन वन पर्सन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन एक्ट और ओमिशन इंटेंशनली कॉज्ड और परमिटेड अनदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू एंड द अदर पर्सन एक्टेड अपॉन सच बिलीफ, नाइदर ही नॉर हिज रिप्रेजेंटेटिव शेल बी अलाउड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग बिटवीन हिमसेल्फ एंड सच पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव टू टू वॉट टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग, दिस इज सेक्शन 115। देख बेटा तेरे को ये सब इतना बाई हार्ट रहना चाहिए इसी भाषा में, ये तो देखो इतना आना ही चाहिए, जब ये तेरा राइट लिखा हुआ है, ये तूने एक्सप्लेनेशन में दे दिया है, यहीं पे ही असेसर पेपर चेकर इंप्रेस हो जाता है कि ठीक है, फिर वो तो आंखों में पानी आ जाएगा उसका जब वो नीचे देखेगा कि अरे बाप रे इसने रेफरेंस भी दिया है, मेहनत बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी टेक ओडिशा वर्सेस साईराम कॉलेज ये लिखा है, फिर केस एक्सप्लेन किया कि इन दिस गिवन केस वन यूनिवर्सिटी परमिटेड टू कंडक्ट स्पेशल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स प्रोसिक्यूटिंग स्टूडेंट अंडर अ टाइम अप्रूवल पॉलिसी, ये चलो ये भी नहीं लिखा, तुमने सिर्फ एक्सप्लेन किया, लेटर कॉलेज डिसाइडेड टू विथहेल्ड द मार्कशीट, यही है ना केस, कॉलेज बाद में सर्टिफिकेट देने से मना करता है विथहोल्डिंग ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, क्या यहाँ पे रूल ऑफ इस्टॉपल अप्लाई होगा, हाँ ये सब चीजें जब तो आपके पेपर में दिखती है तो एग्जामिनेटर भी इंप्रेस हो जाता है, पेपर चेकर भी इंप्रेस हो जाता है कि नहीं यार मेहनत है, ये मेहनत है तो अकॉर्डिंगली मार्क्स रहता है। खैर कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पार्ट, इस्टॉपल रूल समझा, राइट, एवरी कन्फेशन मस्ट बी एन एडमिशन बट एवरी एडमिशन मे नॉट अमाउंट टू कन्फेशन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन थे, आप चाहते तो कन्फेशन एडमिशन में सीधा एक्सप्लेनेशन देते ही सीधा डिस्टिंग्विश लिख सकते थे, राइट, यू कैन स्ट्रेट अवे यू कुड हैव राइट अ डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्फेशन एडमिशन। सर क्या है डिफरेंस बिटवीन, चल डिफरेंस बिटवीन बताता हूं, सुन या ध्यान दे, एडमिशन कन्फेशन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन करते हैं। सर रिपीट हो सकता है, एडमिशन कन्फेशन फेवरेट टॉपिक है, इसके आने के चांसेस है ही, ये रहा
बताऊंगा मैं हर बार की तरह जैसे तुमको बताता हूँ कि इस चैप्टर में से क्या पॉसिबिलिटीज है तुम्हारे अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए। पेज क्या है? 68। ओके, इरा। हाँ, इरा। तो अगर डिफरेंस बिटवीन की बात हो रही थी, चल सबसे पहले तो एडमिशन ना डिफाइंड है, द टर्म एडमिशन इज डिफाइंड अंडर द एक्ट, डिफाइंड अंडर द एक्ट, वेर एज कन्फेशन इज नॉट डिफाइंड, द टर्म कन्फेशन इज नॉट डिफाइंड अंडर द एक्ट। ये सबसे पहला डिफरेंस है। अच्छा, तुमको पता है ना एडमिशन वर्बल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट पे भी हो सकता है, ठीक है, बट एज फार एज कन्फेशन इज कंसर्न, कन्फेशन हैज टू बी ओनली इन वर्बल फॉर्म, ओनली इन ओरल फॉर्म, राइट। अच्छा, एडमिशन कोई भी दे सकता है, इट मे बी ए स्ट्रेंजर और एनी पर्सन रिलेटेड टू केस, एनी पर्सन एसोसिएटेड और रिलेटेड टू केस, है कि नहीं। बट जब बात आती है कन्फेशन की, कहने से कन्फेशन हैज टू बी गिवन ओनली बाय अक्यूज्ड, ओनली बाय अक्यूज्ड पर्सन, राइट। अच्छा, एडमिशन इनवॉलेंट्री रहा, एडमिशन अगर इनवॉलेंट्री रहा तो भी रेलेवेंट माना जाता है, बट अगर आपको कन्फेशन रेलेवेंट मानना है तो कन्फेशन हैज टू बी, इट हैज टू बी वॉलेंट्री, राइट। अच्छा, अगर आगे बढ़ू मैं तो कैन आई से कि हर एडमि हर कन्फेशन एडमिशन तो है पर हर एडमिशन कन्फेशन नहीं है, राइट। और यही आई गेस तुम्हारा क्वेश्चन भी था, राइट, यही क्वेश्चन भी था। कहते हैं कि एडमिशन इज जेनेरिक, कन्फेशन इज स्पीशी। इतना ही नहीं, कन्फेशन सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स में होता है बट एडमिशन सिविल और क्रिमिनल दोनों में होता है। आईसीएसआई डिस्टिंग्विश में एक्सपेक्ट करता है 4 to 5 points, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 3, 4, 5, 6, 7 points। अच्छा, डिस्टिंग्विश लिखने के बाद छोड़ नहीं देने का, क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन में नीचे समझाने का, क्या समझाने का कि एडमिशन इज एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग, कन्फेशन इज एक्सेप्टेंस ऑफ क्राइम बाय द अक्यूज्ड, यू नीड टू एक्सप्लेन सर्टन थिंग्स देन नोट के फॉर्म में, सो दैट द अदर पर्सन शुड फील गुड कि हाँ डिस्टिंग्विश में तो इसने सब कुछ फर्क बता ही दिया बट साथ साथ क्वेश्चन का भी रिस्पेक्ट किया। कौन सा क्वेश्चन? जो पूछा गया था, तो नीचे एक्सप्लेन करना जरूरी था वो। ये देखो, ये तुमको 2-3 points एक्सप्लेन करनी चाहिए थी नीचे। चलो, वैसे एडमिशन कन्फेशन में फर्क आप लोग को ऑलरेडी पता ही है। आगे अगर मैं देखता हूँ, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट इन ऑल केस एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, December 22 में पूछा गया था कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट इन ऑल केसेस, ये भी December 22 का ही था। फिर एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, चलो ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट एविडेंस इन ऑल द केसेस, ये साइड है टाइप्स ऑफ एविडेंसेस, ओपिनियन ऑफ थर्ड पार्टी 74। ये रहा ओरल एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस। अच्छा, इफ यू पीपल रिमेंबर, इफ यू हैव हैंड रिटन नोट्स विथ यू, तो ये क्वेश्चन भी ना ऐसे ही लिखवाया है, यही भाषा में लिखवाया, इसी को मेंशन करके लिखवाया। खैर, चलो समझ लेते हैं, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट इन ऑल द केसेस, ये क्या है। सबसे पहले तो सर, ओरल एविडेंस क्या होता है? कैन आई से ओरल एविडेंस इज नथिंग बट एनी स्टेटमेंट गिवन टू द कोर्ट रिलेटेड टू एनी केस, That is oral evidence. ये देखो, यहां पर लिखा भी हुआ है, oral evidence means statements which the court permits or required to be made before it by the witnesses in relation to matter or fact under inquiry. बराबर, अभी आगे लिखा हुआ, if he is unable to speak, he may give his evidence in any manner, he can make it intelligible by writing or by signs. इसे oral evidence कहता है, but Indian evidence act क्या कहता है? Oral evidence सिर्फ oral nature का नहीं होना, डायरेक्ट नेचर का होना चाहिए। डायरेक्ट नेचर का मतलब वो स्टेटमेंट उस इंसान का होना चाहिए जो क्या दावा कर रहा है, उस होना चाहिए, वो स्टेटमेंट उस इंसान का होना चाहिए जो ये दावा कर रहा है कि उसने वो चीज होते हुए देखी। इट शुड रेफर अ फैक्ट विच कुड बी सीन, या उस इंसान का वो स्टेटमेंट होना चाहिए जो ये दावा कर रहा है कि उसने ये होते हुए सुना। इट शुड रेफर अ फैक्ट विच कुड बी हर्ड, मतलब इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु heard it,
और इट मस्ट बी एन एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु सेज ही सॉ इट, और उस इंसान का स्टेटमेंट होना चाहिए जो ये कह रहा है कि उसने ये सेंस कर लिया था कि ऐसा होगा. ही कुड बी परसीव्ड बाय एनी अदर सेंसेस, उसको ये बात का ख्याल आ चुका था. तो इसीलिए लिखा हुआ है इट मस्ट बी एन एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु से ही परसीव्ड इट बाय दैट सेंसेस और इन एनी अदर मैनर, तब जाके माना जाएगा कि दैट स्टेटमेंट दैट ओरल एविडेंस वॉज इन अ डायरेक्ट फॉर्म, इट वॉज अ डायरेक्ट एविडेंस. अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं क्या? ठीक है, ये डायरेक्ट एविडेंस ना कौन से फैक्ट को रिजेंबल करता है? सी देर इज अ फैक्ट इन इशू विच इज अ डायरेक्ट फैक्ट एंड देर इज अ रेलेवेंट फैक्ट. तो अगर मान लो किसी केस में पुलिस के पास डायरेक्ट एविडेंस है, दे हैव कलेक्टेड अ डायरेक्ट एविडेंस, इन शॉर्ट डायरेक्ट एविडेंस इज नथिंग बट अ कन्फेशन ऑफ अ पर्सन, डायरेक्ट एविडेंस इज नथिंग बट एन आई विटनेस. ठीक है, डायरेक्ट एविडेंस इज नथिंग बट सीसीटीवी रियल फुटेज, रॉ फुटेज. अब हम जो यहां पे डिस्कस कर रहे हैं ये डायरेक्ट ही हो रहा रिकॉर्ड, तो ये अगर कल को कहीं दिखाना है तो ये डायरेक्ट एविडेंस के फॉर्म में ही दिखाया जाएगा. तो मेरा क्वेश्चन तुम सबसे ये है कि हर एविडेंस ना किसी फैक्ट को रिजेंबल करता है, हर एविडेंस किसी फैक्ट को सपोर्ट करता है, तो डायरेक्ट एविडेंस कौन से फैक्ट को सपोर्ट करता है? रेलेवेंट फैक्ट को कि फैक्ट इन इशू को? रेलेवेंट फैक्ट को कि फैक्ट इन इशू को? फैक्ट इन इशू को. याद रखना कुछ ऐसे एविडेंसेस होते हैं जो सीधा फैक्ट इन इशू को रिजेंबल करते हैं, जैसे कि डायरेक्ट एविडेंस हुआ, प्राइमरी एविडेंस हुआ, ये ऐसे एविडेंसेस हैं जो सीधा फैक्ट इन इशू को सपोर्ट करते हैं. इनके होने से फैक्ट इन इशू का डिसाइड होना आसान हो जाता है. इफ दीज टाइप ऑफ एविडेंसेस आर अवेलेबल तो चांसेस ऑफ फैक्ट इन इशू गेटिंग सॉल्व गेट्स हायर. चलो अगर क्वेश्चन की मैं मांग देखूं तो क्वेश्चन ने जो जो पूछा था उसका डिस्कशन तो हम लोग ने कर लिया. देखो इफ यू आर नॉट राइटिंग ऑल दीज इन योर एग्जाम पेपर एंड इफ यू आर राइटिंग मियरली ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट जो तुमने लेक्चर में सुना है, अगर आपने जो लेक्चर में सुना है वही सोच के आप एग्जाम में लिख के आओगे तो अगेन वो काम नहीं करेगा भाई. द क्वेश्चन ऑफ बाय हार्टिंग थिंग्स ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा. चल आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं. ये क्यों बीच बीच में आ रहा है, इसको हटाओ. हाँ, ऑल फैक्ट्स लॉजिकली रेलेवेंट आर नॉट लीगली रेलेवेंट, नरेट किया, डिस्कस किया. चल एक बात बता, आगे डिस्कशन में आगे जाने के पहले ये बात बता कि कोर्ट किस में इंटरेस्टेड होता है. कोर्ट आर इंटरेस्टेड इन लॉजिकल रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की लीगल रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स? कोर्ट्स आर इंटरेस्टेड इन लीगल रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स. ठीक है, एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट इसका आंसर कर, लॉजिकल रेलेवेंसी और लीगल रेलेवेंसी में से किसका स्कोप वाइडर है? लॉजिक इज वाइडर देन वाइडर कि लीगल इज वाइडर देन लॉजिक? याद रखना लॉजिकल रेलेवेंसी इज वाइडर देन लीगल रेलेवेंसी. व्हाट इज लीगल रेलेवेंसी? लीगल रेलेवेंसी इज नथिंग बट इट इज बेस्ड ऑन सर्टन वेज, और हम लोग एक्सप्लेनेशन में उन वेज को डिवाइड कर लेते हैं. कितने वेज? 8 वेज. भले बुक में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है देर आर 8 वेज, बट इफ यू गो एंड चेक एंड इफ यू डिसाइड द क्लासिफिकेशन ऑफ रेलेवेंसी यू विल फाइंड दैट देर आर ओनली 8 वेज ओनली. 8 तरीके से आप एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट के साथ लीगली जोड़ सकते हो और उसी कनेक्शन को, उसी रिलेशन को रेलेवेंसी कहते हैं. तो रेलेवेंसी शुड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, इट शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक. ऐसा लॉ में लिखा हुआ है, ऐसा बुक में भी दिया हुआ है. अच्छा एक बात बताओ, जो फैक्ट लीगली रेलेवेंट है उसका तो लॉजिकली रेलेवेंट होना ही है ना, बट जो फैक्ट लॉजिकली रेलेवेंट है ये जरूरी है कि वो लीगली रेलेवेंट हो? तो ये देख, ये जो भी डिस्कशन किया ये सब कुछ है, अपने हैंड रिटन नोट्स में भी है, अपने बुक में भी है, तू पढ़ता नहीं है, हंस मत. ये देख ये देख, courts are concerned with legal relevancy and not logical logical relevancy of the facts, full stop, comment. A fact is said to be logically relevant to another when it bears such casual relation with the other. बराबर, ये देखो मैं जो बात कर रहा था ये रहा, all facts logically relevant are not however legally relevant. बराबर, अभी इंडियन एविडेंस एक्ट किसकी बात करता है? रेलेवेंसी ऑन द बेसिस ऑफ लॉ की लॉजिक, तो ऑन द बेसिस ऑफ लॉ लिखा हुआ है. रेलेवेंसी अंडर द एक्ट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ प्योर लॉजिक बट ऑफ लॉ.
एज नो फैक्ट हाउ एवर लॉजिकली रिलेवेंट इज रिसीवेबल इन एविडेंस, ऑब्वियसली बात है जो फैक्ट लॉजिकली रिलेवेंट है उसका एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता. ऑफकोर्स एवरी फैक्ट लीगली रिलेवेंट विल बी फाउंड टू बी लॉजिकली रिलेवेंट, बट एवरी फैक्ट लॉजिकली रिलेवेंट इज नॉट नेसेसरीली रेलेवेंट अंडर द एक्ट. आगे ये भी लिखा हुआ है, एज कॉमन सेंस लॉजिकल रिलेवेंसी इज वाइडर देन लीगल रिलेवेंसी. वाई इट इज वाइडर देन? बिकॉज लीगल रिलेवेंसी का स्कोप, लीगल रिलेवेंसी का स्कोप इज रिस्ट्रिक्टेड टू वॉट एवर इज गिवन अंडर सेक्शन 6 से 55. द क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल रिलेवेंसी इज रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन दीज सेक्शन ओनली. लॉजिक का तो कोई अंत ही नहीं है ना भाई. 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में, कोई भी इंसिडेंट होता है तो 140 करोड़ ओपिनियन बन जाते हैं उस पे. एंड लॉजिक इज बेस्ड ऑन योर ओपिनियन, लॉजिक इज बेस्ड ऑन योर अजम्पशंस, राइट? सो बेसिकली जज आर इंटरेस्टेड इन लीगल रिलेवेंसी एंड नॉट लॉजिकल रिलेवेंसी. अब देखो ये जो भी यहां पे लिखा हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं कि ये क्लास में हम लोग ने लिखा नहीं है, हमारे हैंड रिटन नोट्स में नहीं है. इनफैक्ट उसको तो और सोफिस्टिकेटेड लिखा हुआ है, हम लोग ने इजी किया हुआ है. माई हम्बल रिक्वेस्ट यू, बाई हार्ट करना पड़ेगा नहीं तो गेम बजेगी. फिर वापस डिस्टिंग्विश बिटवीन एडमिशन कन्फेशन किया कि नहीं किया हम लोगों ने? कर लिया है, राइट? चलो वॉट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पूछा तो मतलब तुमको डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ इंस्टीट्यूट को फर्क बताना पड़ेगा प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस का. अरे हाँ कि नहीं? डिफरेंस एक्सप्लेन करना पड़ेगा तुमको. पेज नंबर 71, तो दोनों बताना पड़ेगा तुमको. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ साथ प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एविडेंस से शेयर करने पड़ेंगे. चलो सुनो, अब देखो सबसे पहले ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का डेफिनेशन देने के बाद, कैन आई से डॉक्यूमेंट मीन्स एनी सब्सटेंस ऑन विच द मैटर इज एक्सप्रेस्ड? डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट कैन बी अ पेपर, ठीक है? डॉक्यूमेंट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है? इट मे बी अ पीडीएफ फाइल और अ वीडियो क्लिप, राइट? सो एनी काइंड ऑफ अपना वॉइस नोट. तो मैं ऐसा कह सकता हूं ऐसा कोई भी मैटर जिसमें किसी कंटेंट को रिकॉर्ड किया गया उसे डॉक्यूमेंट कहते हैं. ये देखो वही लिखा हुआ है, पहले तुमको डॉक्यूमेंट समझाना पड़ेगा क्या है. तो देखो अ डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स और मोर देन एनी ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर एनी रीजन, ठीक है? अब फिर आपको आपको आगे बताना है कि व्हाट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज नथिंग बट एनी डॉक्यूमेंट मे बी इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट फॉर व्हाट? फॉर इंस्पेक्शन. मुझे एक बात बताओ, हाउ डू यू अंडरस्टैंड वेदर अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या इट इज अ टेम्पर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट और मे बी अ फोटो कॉपी? कैसे समझता है कि वो ओजी है या सेकेंड कॉपी है? कैसे पता चलेगा कि एक डॉक्यूमेंट ओजी है या सेकेंड कॉपी है? तो भाई उसके कंटेंट से पता चलेगा, उसके कंटेंट से पता चलेगा. द प्यूरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट इज बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट. देखो लिखा हुआ है सेक्शन 60 प्रोवाइड्स दैट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी एविडेंस और ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी एविडेंस. बराबर, क्लियर हुआ? यहां तो प्राइमरी एविडेंस के बेसिस पे या फिर सेकेंडरी एविडेंस के बेसिस पे. अब मान लो अगर वो प्राइमरी एविडेंस के बेसिस पे, तो प्राइमरी एविडेंसेस बेस्ट एविडेंसेस होते हैं. ये वो एविडेंसेस होते हैं जो बाय इटसेल्फ प्रूव हो जाते हैं. बाय इटसेल्फ मतलब कुछ और चाहिए नहीं सपोर्ट में, ये कॉन्क्रीट होता है. मान लो अगर किसी की विल बनी हुई है, वसीयत बनी हुई है, और अगर वो प्राइमरी नेचर की है, कहने से ये सफिशियंट हो जाती है कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए? कहने से आप सब लोग की सीएसईटी की मार्कशीट, पास की हुई मार्कशीट सफिशियंट है ये साबित करने के लिए, ठीक है? ड्राइविंग लाइसेंस सफिशियंट है साबित करने के लिए? तो ये जो भी प्राइमरी एविडेंसेस हैं, ये सब बाय इटसेल्फ सफिशिएंट होते हैं साबित करने के लिए, राइट? और हम लोग अगर हैंड रिटन नोट्स में अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो वी हैव एक्चुअली मेड द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस, इफ यू रिमेंबर.
हाँ, वेन प्राइमरी एविडेंस इज नॉट अवेलेबल, जब आपके पास प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो देन मैटर कैन बी टेकन केयर इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी एविडेंस. वॉट कैन बी सेकेंडरी एविडेंस? कैन आई से इट कैन बी अ कंपेयर्ड कॉपी, इट कैन बी अ सर्टिफाइड कॉपी, इट कैन बी अ कॉपी मेड थ्रू मैकेनिकल प्रोसेस, राइट? उसकी एक्यूरेसी तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी. कैन आई से इट कैन बी अ फोटोकॉपी या काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट? इट कैन बी कॉपी मेड फ्रॉम ओरिजिनल ओनली, अ सर्टिफाइड कॉपी गिवन अंडर द प्रोविजंस हियर आफ्टर, या एनी ओरल अकाउंट. किसी ने अगर ओरल इन्फॉर्मेशन, किसी ने किसी को कुछ ओरली बताया है और उसको रिटन डाउन, राइट डाउन करके रखा है किसी और ने, तो उसे सेकेंडरी कहते हैं. इंस्टीट्यूट ने ना एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ये अब फिर से इसके बाग खुलने वाले हैं, एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. ठीक है, मैं तुमको बता रहा था कि आई एम गोइंग टू टेल यू दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स विच हैज हायर चांसेस इन दिसंबर 23. ठीक है, हर बार की तरह जब तुम यहां लिख देते हो तो आ जाओ. तो सरकमस्टांशियल अच्छे से पढ़ना, सरकमस्टांशियल एविडेंस के बारे में पढ़ना, ठीक है. दूसरा सेक्शन 8, सेक्शन 9 पढ़ना, उसके बाद स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस पढ़ना, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन याद है क्या? वैसे तो पूछा गया पहले, पहले भी दो बार पूछा गया है. प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, प्रिविलेज कम्युनिकेशन के चांसेस है. फिर स्टेटमेंट गिवन बाय द पर्सन हु कैनॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस, बाय द पर्सन हु कैनॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस. और अभी जस्ट मैंने जो तुमको बताया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, सेक्शन के साथ पढ़ के जाना भाई. क्या था पेज नंबर? 72. हाँ, इरा 72. यस, ये देख, ये आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया, एक ही बार आया है. एक ही बार आया तो तुम लोग क्या शायद ऐसा माइंडसेट सेट करते हो कि छोड़ना, एक ही बार आया वापस नहीं आएगा, आएगा. ठीक है, तो काम से पढ़ना. इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, हाँ, ऑप्टिकल मैग्नेटिक मीडिया डिवाइस, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, सीडी ड्राइव, सब आता है उसमें. अंडर सेक्शन 65(b)(1), एनी इंफॉर्मेशन कंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच इज प्रिंटेड ऑन अ पेपर, स्टोर्ड, रिकॉर्डेड, कॉपीड इन ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मीडिया प्रोड्यूस बाय अ कंप्यूटर, हेयर एंड आफ्टर कॉल्ड एज कंप्यूटर आउटपुट, shall be deemed to be called as document. If the conditions mentioned in these sections are satisfied in relation to the information and computer in question, shall be admissible in any proceeding. वो pen drive, वो conditions अगर fulfill होती हैं तो उस pen drive को, उस CD drive को, उस electronic document को किसी भी proceeding में admissible माना जाता है, without proof or production of original. क्या बात है? As evidence of any content of original or any fact stated therein of which direct evidence would be admissible. उसके related अगर कोई fact है तो वो admissible माना जाएगा, मतलब relevant माना जाएगा. The conditions in respect of a computer output related above have been stipulated under section 65(b)(2) clause 2 of Evidence Act, subsection 2 of Evidence Act. तो ये इसको चाहिए तो तुम points में divide कर सकते हो. ये जो पहला लिखा हुआ है दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, फिर रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेकेंड पॉइंट, बट मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ दिस पार्ट. अच्छा, प्रिविलेज कम्युनिकेशन याद है? अगर मैं लिस्ट ही देख रहा था, हम लोग लिस्ट के थ्रू ही जा रहे थे, तो ये देखो, ये क्वेश्चन मैं, ये रहा क्वेश्चन, रीड कर. The privileged communication are based on public policy and a witness cannot be compelled to answer the same
ड्यूरिंग द एविडेंस इन द कोर्ट और बिफोर एनी अदर अथॉरिटी, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। कितने तरीके के प्रिविलेज कम्युनिकेशन है? ऐसे तो है 5 तरीके के, वो 4 भी लिखे तो भी चलता है। ठीक है, कौन से कौन से? सबसे पहले कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ड्यूरिंग मैरिज। पूरा बोलना। उसके बाद प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, बराबर, बेसिकली कम्युनिकेशन बिटवीन एडवोकेट एंड क्लाइंट। उसके बाद ऑफिशियल कम्युनिकेशन, अरे हाँ कि नहीं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन बेसिकली कम्युनिकेशन बिटवीन सीनियर ऑफिसर एंड इंफीरियर ऑफिसर या सबॉर्डिनेट ऑफिसर। एंड चौथा, ठीक है, अफेयर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट। कौन से? पब्लिश के अनपब्लिश्ड? हाँ, अफेयर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट विच आर अनपब्लिश्ड। तो ये याद रखना, प्रिविलेज कम्युनिकेशन काफी दो है, 2-3 अटेम्प्ट हुए, दर्शन नहीं दिए तो संभाल लेना उसको। ये देखो, देर आर सम फैक्ट्स। अब आई रियली डाउट, ये ध्यान से सुनो, इंस्टीट्यूट विल प्ले विथ योर माइंड। इंस्टीट्यूट क्या करेगा पता है? ये सेंटेंस क्वेश्चन में दे देगा इतना। अगर किसी ने ध्यान से नहीं पढ़ा रहेगा ना, तो मजा लो उसका, वो समझ पाए कि वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। लिखा जाएगा, देर आर सम फैक्ट्स ऑफ विच एविडेंस कैनॉट बी गिवन, दो फैक्ट्स आर रेलिवेंट, फुल स्टॉप, डिस्कस, खत्म। इंसान उधर ही, क्या है ये? और तुम्हारा क्या रहता है? पढ़ाया ही नहीं है, सिखाया ही नहीं है, नालायक, ये यहाँ पे क्या बोला मैंने? और तुम नोटिस करोगे बुक के अंदर ना, जब मैं तुमको क्वेश्चन आंसर लिखवाता हूँ, तो ये जानबूझ के क्वेश्चन बना के दिया है कि भाई अगर आया तो ऐसे आ सकता है। क्या कहना क्या चाहता है ये सेंटेंस? ये कह रहा है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कितने भी रेलेवेंट होने दो। क्या कहता है ये सेंटेंस? कहता है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो केस के साथ रेलेवेंट हैं, पर उन फैक्ट्स को लेकर जो मेरे पास एविडेंसेस हैं वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। तो ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो रेलेवेंट है पर उनके रिलेटेड एविडेंसेस एडमिसिबल नहीं है? तो ऐसे ही फैक्ट्स को हम क्या कहते हैं? प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। मतलब यू मे बी हैविंग अ रिकॉर्डिंग ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विच दे आर कम्युनिकेटिंग एंड दे आर इन टू रिलेशन ऑफ मैरिज, तो क्या वो रिकॉर्डिंग कोर्ट में एडमिसिबल होगा? क्लाइंट और लॉयर के बीच का डिस्कशन अगर किसी ने वीडियो रिकॉर्ड या वीडियो टेप किया, वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा? सिमिलरली गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ अफेयर्स हैं और आपको हाथ लग गए हैं, बट अभी तक उसका ऑफिशियल पब्लिश नहीं हुआ है, तो क्या वो कोर्ट में वो मैटर एडमिसिबल माना जाएगा? समझा? एक क्लियर हुआ क्या? पक्का? हाँ, मैं सेक्शन 8 और 9 की बात कर रहा था, ये जो ऊपर लिखा है ना मैंने तुम लोग को, ये देखो यहां मेंशन करवाया था 8 एंड 9। सर ये 8 एंड 9 क्या है? 8 आकर गया है, ये देख। अच्छा, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, सेक्शन 45, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। हाँ, अच्छा, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस का डिस्टिंग्विश पूछा, हमारे बुक में डिस्टिंग्विश हम लोग ने ऑलरेडी लिखा हुआ है। हाउ फार कन्फेशन डिफर फ्रॉम एडमिशन, फिर से डिस्टिंग्विश पूछ रहा है, राइट? फिर उसके बाद, हाँ, पहले ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट करते हैं। ये देख, मैं देखो बोला था ना, एक बार आया है, देखे, एक्सप्लेन द स्पेशल प्रोविजन ऑफ एन एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अभी पढ़ा ना वो 65B1, वही है वो, June 19 में आया था एक बार, उसके बाद फिर दर्शन नहीं दिए, मतलब December 23 में चुपके से एंट्री मारेगा। चलो, क्या बात कर रहे थे? हाँ, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। ये देखिए, सेक्शन 8 है, आते हैं इस पे, इसको डील करेंगे, सेक्शन 8। फिर ये सेक्शन 9, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन, इसको भी डील करेंगे। चल, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, ये रहा। ये देखो, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, इसका आंसर ध्यान से करना, जो मैं पूछने वाला हूं ध्यान से सुनना और फिर ध्यान से आंसर करना।
मान लो तुमको क्वेश्चन ऐसे बन के आता है, ठीक है, मान लो क्वेश्चन ऐसे बन के आता है कि ओपिनियन ऑफ, क्वेश्चन क्या बन के आता है, ओपिनियन ऑफ विटनेस इज रेलेवेंट, ये क्वेश्चन है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, ओपिनियन ऑफ विटनेस इज रेलेवेंट फुल स्टॉप एक्सप्लेन या इलाबरेट, क्या बोलते हो? पहले तो ये बात बताओ, क्या विटनेस के ओपिनियन को रेलेवेंट माना जाता है क्या? क्या विटनेस के ओपिनियन को रेलेवेंट कंसिडर किया जाता है क्या? ए भाई, नहीं किया जाता है। ए भाई, विटनेस का स्टेटमेंट अगर डायरेक्ट नेचर का है तो वो रेलेवेंट होता है, तो वो एविडेंट माना जाता है। बट अगर विटनेस कोई भी आके ओपिनियन देगा तो वो रेलेवेंट थोड़ी माना जाएगा। तो पहले लिखने का नो, ओपिनियन ऑफ विटनेस इज नॉट रेलेवेंट। हाउएवर, ओपिनियन गिवन बाय थर्ड पर्सन एंड इफ दैट थर्ड पर्सन इज एक्सपर्ट देन द ओपिनियन गिवन ऑफ दैट एक्सपर्ट कैन बी रेलेवेंट। हाँ, अगर वो विटनेस जो है वो एक्सपर्ट है, विटनेस अगर एक्सपर्ट है तो क्या उसका ओपिनियन रेलेवेंट माना जाएगा क्या? हाँ, तो फिर रेलेवेंट माना जाएगा। ये देख, ठीक है, ये रहा, ये देखो, द जनरल रूल इज दैट द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट ऑन अ क्वेश्चन वेदर द फैक्ट और लॉ इज इरेलेवेंट। ठीक है, जनरल रूल है। हाउएवर, इसका कोई एक्सेप्शन है क्या? है। हाउएवर, देयर आर सम एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल। व्हाट आर दोज एक्सेप्शन? ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट क्या उसे रेलेवेंट माना जाएगा? यस। तो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट आर रेलेवेंट व्हेन, व्हेन इट इज रिलेटेड टू फॉरेन लॉ, व्हेन इट इज रिलेटेड टू मैटर ऑफ साइंस, आर्ट्स, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, फिंगर इंप्रेशन, स्पेशल नॉलेज, राइट। फिर ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, दिस बिकम्स योर पॉइंट नंबर वन। फिर इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। पॉइंट नंबर टू क्या कहता है कि अगर एक्सपर्ट के ओपिनियन को कोई फैक्ट सपोर्ट कर रहा है, एक्सपर्ट के ओपिनियन को कोई फैक्ट सपोर्ट कर रहा है तो क्या उस फैक्ट को भी रेलेवेंट माना जाएगा? हाँ, फैक्ट विच सपोर्ट और विच इज इनकंसिस्टेंट, विच इज कंसिस्टेंट विद ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, क्या उसे भी रेलेवेंट माना जाएगा? हाँ। फिर दिया हुआ है अदर सिचुएशंस, अदर सिचुएशंस में ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट कब रेलेवेंट होगा? तो मान लो अगर कोई किसी की हैंडराइटिंग है तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का ओपिनियन रेलेवेंट रहेगा? हाँ। किसी ने डिजिटल सिग्नेचर बना के दिया है, किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने डिजिटल सिग्नेचर बना दिया है, तो क्या वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी का ओपिनियन रेलेवेंट होगा? हाँ या ना? हाँ। ऐसा कोई इंसान है जिसको स्पेशल नॉलेज है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है, हो सकता है रिलीजियस स्कॉलर है, ठीक है, हो सकता है कोई धार्मिक इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करता है, वहां का हेड है, तो उसके ओपिनियन को रेलेवेंट माना जाएगा? हाँ। ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वाले लोग हैं, इनके ओपिनियन को एक्सपर्ट रेलेवेंट माना जाता है कोर्ट्स में? हाँ। या अगर किसी ऐसे मैटर में ओपिनियन है जो एक जनरल कस्टम है, सदियों से फॉलो होती हुई आ रही है, लंबे समय से फॉलो होती आ रही है, और उसके रिलेटेड कोई ओपिनियन एक्सप्रेस हो रहा है, तो क्या उसे रेलेवेंट माना जाएगा? हाँ। या अदर्स जो है ना, अदर्स, इन अदर्स में से कोई भी तीन चार याद रखा ना तो भी चलेगा, इन अदर्स में से, ठीक है, कोई भी तीन चार तूने अच्छे से याद रखा तो चलेगा, समझा? हाँ, मैं तुमको सेक्शन 8 और 9 की बात कर रहा था, सेक्शन 8 एंड 9। व्हाट इज सेक्शन 8? सेक्शन 8 क्लासिफिकेशन ऑफ रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के अंदर आता है। सेक्शन 8 तीन चीजों की बात करता है, मोटिव, प्रेप, कंडक्ट, वो भी कौन सा वाला, प्रीवियस कंडक्ट भी एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी, बराबर। तो तुमको यहां पे तीनों एक्सप्लेन करके बताना है, मोटिव भी, फिर अच्छा क्या एक्सप्लेन करके बताना है कि मोटिव रेलेवेंट फैक्ट कैसे हो सकता है। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी भी केस में मोटिव प्रूव हो गया, मान लो मोटिव प्रूव हुआ कि वो रिवेंज था उसका, ठीक है, उसको बदला लेना था, ये उसका मोटिव था, तो क्या वो रिवेंजफुल एक्ट था? ऐसा करके ये रेलेवेंट फैक्ट के फॉर्म में कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है? यस। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मोटिव इफ प्रूव्ड कैन कंसिडर टू बी एज अ रेलेवेंट फैक्ट, राइट। सिमिलरली अगर किसी मोटिव को अचीव करने के लिए, अगर कोई प्रेपरेशन की गई थी, किसी मोटिव को अचीव करने के लिए कोई अरेंजमेंट की गई थी, किसी मोटिव को अचीव करने के लिए कोई प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी, तो क्या बोलते हो, क्या वो प्रेपरेशन, क्या वो अरेंजमेंट, क्या वो प्लानिंग रेलेवेंट फैक्ट माना जा सकता है किसी केस को लेकर? यस। मान लो उस मोटिव को फुलफिल करने के लिए पार्टीज ने कुछ कंडक्ट परफॉर्म किया था। व्हाट इज कंडक्ट? कंडक्ट इज नथिंग बट योर बिहेवियर। विच बिहेवियर? हो सकता है बिहेवियर बिफोर द एक्ट, दैट इज प्रीवियस बिहेवियर,
हो सकता है बिहेवियर आफ्टर द एक्ट उसको सब्सिक्वेंट बिहेवियर कहता है। तो अगर बिहेवियर बिफोर द एक्ट था या बिहेवियर आफ्टर द एक्ट था, अगर ये कोर्ट में प्रूव होता है तो क्या इस कंडक्ट को भी रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा इफ इट इज रिलेटिंग टू द केस? आंसर इज यस। देखो यहां पे दिया हुआ है, अगर मैं प्रेपरेशन की बात करूं ना, ये रहा, ये देखो, व्हेन द क्वेश्चन इज टू वेदर अ पर्सन डिड अ पर्टिकुलर एक्ट, द फैक्ट दैट ही मेड अ प्रेपरेशन टू डू इट वुड सर्टनली बी रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ शोविंग दैट ही डिड इट। अगर ये फैक्ट है कि उसने एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कोई प्रेपरेशन की थी, तो फिर वो प्रेपरेशन सर्टनली रेलेवेंट मानी जाएगी ये साबित करने के लिए कि उसने वो किया था। ठीक है, मैं बता रहा था तुमको कंडक्ट बिहेवियर होता है। देखो कंडक्ट मींस बिहेवियर, अ बिहेवियर ऑफ अ पार्टीज, एंड बिहेवियर कैन बी बिफोर द एग्जिस्टिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट और आफ्टर द एग्जिस्टिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट। सो मेक श्योर यू शुड बी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 8। फिर व्हाट इज सेक्शन 9? सेक्शन 9 बात करता है कि कौन से फैक्ट्स को नेसेसरी एक्सप्लेन करना और इंट्रोड्यूस करना कोर्ट के सामने जरूरी है। व्हाट आर दोज फैक्ट्स व्हिच आर सपोज टू बी इंट्रोड्यूस्ड और एक्सप्लेन बिफोर द कोर्ट एज रेलेवेंट फैक्ट्स? बराबर, रेलेवेंट फैक्ट्स जैसे चीजों को कोर्ट में लाना जरूरी है, ये समझाओ करके क्या क्या चीजें जरूरी है। देखो इसको पहले तो याद रखना, कोई भी फैक्ट अगर फैक्ट इन इश्यू को सपोर्ट कर रहा है, कोई भी फैक्ट अगर फैक्ट इन इश्यू को सपोर्ट कर रहा है, तो क्या उसे कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना जरूरी है? हाँ, ये देखो लिखा हुआ है, विच आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन इंट्रोड्यूस एज अ फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट इज नेसेसरी टू बी एक्सप्लेन। कोई भी फैक्ट किसी इन्फरेंस को सजेस्ट कर रहा है, इन्फरेंस का मतलब होता है कंक्लूजन। ठीक है, कोई भी फैक्ट किसी कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा है तो क्या ये कोर्ट में लाना जरूरी है? हाँ। क्या जो पार्टीज इन्वॉल्व है उनकी आइडेंटिटी कोर्ट के सामने लाना जरूरी है? हाँ। वो जगह जहां पर वो इंसिडेंट हुआ था या वो ट्रांजेक्शन हुई थी, वो जगह के बारे में कोर्ट को बताना जरूरी है? हाँ। वो टाइम, जिस टाइम पे वो ट्रांजेक्शन उन्होंने एग्जीक्यूट किया था, क्या वो टाइम कोर्ट को समझाना जरूरी है? हाँ। समझा? तो ये बेसिक चीजें क्या क्या लिखेंगे सर, तो याद रखना, एनी फैक्ट विच सपोर्ट्स द कंक्लूजन हैज टू बी एक्सप्लेन, एनी फैक्ट विच सपोर्ट्स द फैक्ट इन इश्यू इज सपोज टू बी एक्सप्लेन, एनी फैक्ट विच एक्सप्लेन्स द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन इज सपोज टू बी एक्सप्लेन, एनी फैक्ट विच डिस्क्लोज अबाउट द टाइम एट विच द ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस इज सपोज टू बी एक्सप्लेन, एनी फैक्ट विच डिस्क्लोज अबाउट द प्लेस एट विच द ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस इज सपोज टू बी एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। समझा क्या? अरे हेलो, चलो ये रीड करो। हाँ, एक बार इसको स्क्रीन पे रखता हूं, ये रीड करो, फिर इस पे कुछ सवाल पूछता हूं। प्रिसाइसली सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये। रीड करो, स्टेटमेंट बाय अ पर्सन हु कैनॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, कैनॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। ऐसा पॉसिबल है कि अगर कोई आदमी प्रेजेंट नहीं है, उसके एब्सेंस में भी उसके दिए गए स्टेटमेंट कोर्ट रेलेवेंट कंसिडर कर सकता है? हाँ। ऐसा कब जरूरी है? तो जब स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ और इन एनी सर्कमस्टांसेस रिजल्टिंग इन हिज डेथ। अच्छा, एक और चीज याद रखना, ऐसे स्टेटमेंट्स को रेलेवेंट माना जाएगा प्रोवाइडेड दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन सा? एक तो वो स्टेटमेंट रिलेट करना चाहिए किसके साथ, किसी फैक्ट इन इश्यू के साथ या किसी और रेलेवेंट फैक्ट के साथ। ठीक है, वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो स्टेटमेंट रिलेट करना चाहिए किसी फैक्ट इन इश्यू के साथ, केस के फैक्ट इन इश्यू के साथ या किसी और रेलेवेंट फैक्ट के साथ।
दूसरा, वो स्टेटमेंट इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल होना चाहिए, मतलब वो स्टेटमेंट उस दौरान देनी चाहिए जो जिस दौरान वो आदमी मरने की हालत में था, या स्टेटमेंट मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, आज से 16 साल पहले कर रखा था कि आधा आधा करेंगे, भले ऑन पेपर नहीं है बट अब से 16 साल से तो यही चलते हुए आ रहा है, तो उसको बोलते हैं स्टेटमेंट मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। तीसरा, स्टेटमेंट विच इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेकर, ये कोर्ट में इंट्रोड्यूस करना जरूरी, भरी वो मेकर फिलहाल अवेलेबल नहीं है। हाँ याद रखना, स्टेटमेंट मेड इन एनी विल और कोडिसाइल, ये देखो ये रहा, और एनी अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन। अ स्टेटमेंट मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सी एज टू द रिलेशन ऑफ पर्सन अलाइव और डेड। और एक और था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में लिखने का जरूरी है, स्टेटमेंट मेड बाय नंबर ऑफ पर्सन एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स एंड इंप्रेशन। अब एक मान लो एक क्राउड का ओपिनियन है, एक क्राउड ओपिनियन है, और ये क्राउड अच्छा खासा तादार में मेजोरिटी में ही है, तो क्या इस क्राउड को बिना कोर्ट में बिलाए इनके ओपिनियन को कोर्ट कंसिडर करता है? हाँ ठीक है, इनके ओपिनियन को कंसिडर किया जाता है। मान लो किसी जज ने कोई मैटर कंसीडर किया था, बाद में उन जज का रिटायर हो गया या ट्रांसफर हो गया, तो उनके जाने के बाद भी, उनके एब्सेंस में भी उनके पास किए गए स्टेटमेंट या उनके पास किए गए ऑर्डर्स रेलेवेंट माने जाएंगे? यस, तो उसको बोलते हैं स्टेटमेंट मेड ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बोलते हैं उसको। तो ये हम लोग ने वैसे भी बुक में लिखा हुआ है, माई ओनली हम्बल रिक्वेस्ट इज कि खाली प्रोसेस फॉलो करना, ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से अच्छे से पढ़ना कि स्टेटमेंट गिवन बाय अदर पर्सन हु कैनॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस विल बी रेलेवेंट ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। यहां से आंसर की शुरुआत होती है, आया तो, और ये भी काम का है, स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की गई एंट्रीज, आगे जाके अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की गई एंट्रीज क्या रेलेवेंट मानी जाएंगी? यस, किसी पब्लिक ऑफिसर ने पब्लिक रजिस्टर में कोई अपनी एंट्री डाली हुई है या उसने एग्जिट डाला हुआ है, तो किसी पब्लिक रजिस्टर या पब्लिक रिकॉर्ड में कोई एंट्री एग्जिट हुआ है, एंट्री एग्जिट मतलब कोई भी स्टेटमेंट दिया डाला गया है, तो अगर उस पब्लिक ऑफिसर पे, उस पब्लिक सर्वेंट पे अगर कोई मैटर चल रहा है तो उसका रजिस्टर में किया गया एंट्री उस केस में रेलेवेंट माना जाएगा? हाँ, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया है बाय नोटिफिकेशन, तो क्या वो रेलेवेंट माना जाएगा? यस, कुछ टाइम के लिए किया गया तो क्या वो रेलेवेंट माना जाता है? यस, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो किसी फॉरेन लॉ बुक में लिखा हुआ है, किसी फॉरेन लॉ बुक में प्रिंट किया हुआ है और मैं उस स्टेटमेंट को कोर्ट में यूज कर रहा हूं, तो क्या वो रेलेवेंट माना जाएगा? यस, जैसे फॉर एग्जाम्पल कितनी सारी केस स्टडीज हम लोग यूज करते हैं, डायलाइन वर्सेस फ्लेचर फॉरेन केस स्टडी है ना, तो क्या इंडियन कोर्ट्स में एज अ रेलेवेंट फैक्ट यूज होता है, एज अ रेफरेंस यूज होता है? यस, मैंने तुमको कहा था मैं तुमको कल आंसर दूंगा लिखने के लिए, बोलू करें शुरुआत, 15 मिनट्स है ना, ठीक है, मतलब बेसिकली एज फार एज डिस्कशन इज कंसर्न, देखो वी हैव कंप्लीटेड कल के लेक्चर और आज के लेक्चर को लेकर लिमिटेशन एक्ट 1963, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, टॉर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एंड अभी जस्ट खत्म किया एविडेंस एक्ट। कल का लेक्चर फिर से 2 घंटे का है, तो सीपीसी 1908 पे बहुत ज्यादा टाइम डालेंगे, और अगर समय मिला इसके साथ साथ स्पेशल कोर्ट्स भी कर लेंगे, छोटा चैप्टर है उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो वो कर लेंगे, इफ नहीं मिला तो नहीं करेंगे, मिला तो सीपीसी पहले ज्यादा फोकस करेंगे, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो कल आते हो या बैठोगे लाइव तो मेक श्योर सीपीसी पढ़ के बैठना, ठीक है, ऐसे मुंह उठा के मत आओ। अच्छा एक बात बोलो, सच्ची सच्ची बताओ, ये कल हम लोग ने खत्म किया, तुम लोग ने पढ़ा जाके, चारों के चारों पढ़े? कितने पढ़े? 2 ही पढ़े, 3, मतलब लिमिटेशन आरटीए टॉर्ट, और दोनों 2 ही पढ़े, तो
और बाकी क्या किया? हाँ ये चैट देना। हाँ बाकी का टाइम क्या किया? इसमें पूरा टाइम चला गया। पहली बार मतलब लाइफ में पहली बार पढ़ा ऐसा। अच्छे से पढ़ा बट सब बाय हार्ट ऑलमोस्ट। देखता हूँ आज। हाँ भाई बोलो। कमेंट्स में कोई डाउट रहेगा तो खुशी खुशी डालो। पहले लेक्चर अच्छा था, 4,000 से ज्यादा व्यूज तुम लोग ने दे दिए। ठीक है, ऐसा फिर मेहनत करने में मजा आता है। ठीक है, इस कुछ डाउट रहेगा तो डालते जाओ। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, कल का लेक्चर का टाइम सेम 10:30 to 12:30, सैटरडे संडे 10:30 to 12:30, बाकी 7:30 to 11:30। हाँ और मैं क्या बोल रहा था कि कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, आप लोग उसका फोटो ले लेना और उसका राइटिंग प्रैक्टिस करना है तुमको। ठीक है, उसका राइटिंग प्रैक्टिस करना है। पीडीएफ बना के मुझे भेज सकते हो, मैं चेक करके बता दूंगा टाइम मिला तो, या मेरे टाइम के हिसाब से मैं चेकिंग करके दे दूंगा। चलो बोलूं, लिखो फर्स्ट क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज। एक ये, दूसरा डिस्कस द सेलियंट फीचर्स ऑफ आरटीआई एक्ट, और तीसरा राइट अ नोट ऑन मेलाशियस प्रोसिक्यूशन। चलो टेक्स्ट बुक बंद कर दो, थोड़ा आपस में एक दूसरे के बीच में जगह छोड़ो। ठीक है, शिफ्ट हो जाओ, अगर 3-4 लोग एक साथ बैठे तो आगे आ जाओ। स्टार्ट राइटिंग। यस, एविडेंस का वेटेज इज 8 मार्क्स, बेयर मिनिमम वेटेज इज 8 मार्क्स। मुलुंड स्टेशन के पास अच्छा खाना किधर? ए डोंकी भाव वड़ा पाव कोई लिखता है? नहीं, टेलीग्राम पे पीडीएफ भेजो। मुलुंड स्टेशन पे फास्ट ट्रेन रुकता है क्या? कोई कोई रुकता है क्या? डाउट पूछ रहा है डोंकी। एविडेंस का वेटेज बताया मैंने। हाँ तो क्वेश्चन मार्क डालना जतिन, क्वेश्चन मार्क डालेगा तो मेरे को मैसेज, 4,000 मैसेज आते हैं दिन में, तो तू तो उस पर क्वेश्चन मार्क डालेगा, फुल स्टॉप डालेगा तो दिख जाएगा। इंसान ना भाई, सेम तेरे जैसा मैं भी इंसान। लेक्चर बहुत अच्छा है तो लिखना कमेंट सेक्शन में, अच्छा है फिर डाउटफुल डाउट फैला दो इसको, इतना फैला दो कि इंस्टीट्यूट तक पहुंच जाए। इंस्टीट्यूट बोले यही क्वेश्चंस पूछ रहे जो ये कह रहा है। टेलीग्राम लिंक मेरा नाम ही है, मेरे नाम से ही मेरा टेलीग्राम है, जैसे नॉर्मल रहता वैसे ही। ऐसा टेलीग्राम का नाम भी होता है क्या? एडीवी सागर तोलानी, एडवोकेट सागर तोलानी मेरा नाम है टेलीग्राम का। क्या डाउट है स्पार्टन? वो हैंडराइटिंग मस्त है, मेरा हैंडराइटिंग है। देवांश पढ़ा क्या तूने कल? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स करेंगे ना कल? यहां तो वो कर देंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स करेंगे।
सीपीसी के बाद, सीपीसी के बाद कुछ तो एक करेंगे, स्पेशल कोर्ट या इंटरप्रिटेशन। हाँ ब्लैक हो जाता है, करेक्ट करेक्ट, आई विल टेक केयर बोट। बार बार हाईलाइट करने से ब्लैक हो जाता है, कल मैं वीडियो देख रहा था तो मैंने ये नोटिस किया, थैंक यू बताने के लिए। हाँ मैंने लिखे हैं, पॉइंट फॉर्मेट में अगर प्रशांत आंसर लिखेगा ना तो ज्यादा अच्छा होगा, थोड़ा क्लीन दिखता है वो, और प्रेफरेंस है वो, मतलब इट इज प्रेफर्ड टू राइट आंसर्स इन पॉइंट्स। ये सब, यस ये सब लेक्चर्स के होने वाले हैं, ये इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड टिल नवंबर ओनली, एवरी सिंगल सब्जेक्ट विल बी रिवाइज्ड। पढ़ लिया ना, कल संडे है, इफ पॉसिबल कम टू द ब्रांच, साथ में बैठ के पढ़ेंगे। इफ ट्रैवलिंग इज अ प्रॉब्लम देन डोंट कम, देन अटेंड ऑन जूम लाइव ओनली। नहीं भाई वो गाना वाना गाने नहीं आता मेरे को, नहीं उसका पैसा मिलता है तो टीचर हूं मैं, सिंगर नहीं। नाचना गाना क्लास के बाहर करता हूँ, क्लास में नहीं। चलो आई होप यू पीपल आर कनेक्टेड इन डिफरेंट डिफरेंट वेज, तो कुछ भी डाउट डिफिकल्टी रहेगा फील फ्री टू आस्क, मेक श्योर यू राइट डाउन दीज क्वेश्चंस, इनका आंसर्स प्रेजेंट करो, ठीक है, चलो थैंक यू। एंड कर दे, कल सीपीसी, बोलना।